तो हूं, भगवान मेरे हैं, ये अभिमान नहीं है, ये क्या है, ये स्वाभिमान हो जाता है, इससे तुम्हारी श्रेष्ठता बढ़ जाती है। कहा कि ये भी अभिमान नहीं, कहा क्या बेकार है। कहा कि छोटे छोटे कंकर भी मकान बनाते हैं, कहीं मिट्टी लगती है, कहीं कंकर लगते हैं, कोई बड़ा पत्थर लगता है, सब काम का है। सब शिष्यों ने गुरुदेव को कहा, गुरुदेव आप बताओ सबसे बेकार क्या है। कहा कि जो अपने को किसी लायक नहीं समझता है वो बेकार है। सब काम के हैं, कोई भी ऐसा नहीं जो काम का नहीं है, लेकिन जो अपने को न समझे कि मैं किसी काम का नहीं, वो बेकार है। कहने का भाव है संसार में कुछ भी बेकार नहीं, वो दिन बेकार है जिस दिन भगवान का नाम नहीं लेते। कल प्रश्न आपने सुना कि सुबह भगवान का नाम लेना, फिर संसार का काम करोगे तो उसकी आपको गिनती हो जाएगी, उस जीरो की गिनती हो जाएगी। शास्त्रों में तो लिखा है कि 100 काम छोड़ करके क्या करना चाहिए, खाना खाना चाहिए, 100 काम छोड़ करके। 1000 काम छोड़ करके क्या करना चाहिए, ध्यान रखना ये रोज काम आने वाली बात है। 1000 काम छोड़ करके क्या करना चाहिए, नहाना चाहिए, पवित्रता रखनी चाहिए। और 1,00,000 काम छोड़ करके क्या करना चाहिए, दातव्यम देना चाहिए। और 1,00,00,000 काम छोड़ करके क्या करना चाहिए, कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे, 1,00,00,000 काम छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। तो यहां बारिश हुई और बारिश तो हमें अच्छा ही लाभ देती है, शुभ ही शुभ देती है। जब वर्षा होती है और जो हमारे स्लेट के घर हैं इनमें कभी कभी पानी आता था, हमारे सबके घरों में यही, हमारे इधर भी ऐसे मकान होते, और जब ये घर कच्चे होते थे कहीं से स्लेट इधर उधर हो गई, वर्षा लगी है, रात में सो रहे हैं और धीरे धीरे पानी भीतर आने लगता था, कुछ और व्यवस्था नहीं होती थी। माँ या पिता श्री कहते थे बेटा वहां पर कोई बर्तन रख दो, और जहां पानी टपक रहा है, और धीरे धीरे वो पानी रात में उस बर्तन पर टपकता था। रात्रि में शांत है, पानी टपक रहा है, आप सो रहे हैं, और वो पानी क्या बोलता है, तपाहा तपाहा, हे जीव, हे मानव, जो योनि है ये मानव योनि, ये सोने के लिए नहीं है, ये भगवान के भजन के लिए, तुम तप करो। जब वर्षा होती है ये ऊंची ऊंची जो पहाड़ियां है उसकी मिट्टी बहाकर लाती है, उस मिट्टी को कहां भरती है, जहां गहरापन हो, जहां झुका हुआ है उस वहां मिट्टी को भर देती है ये पानी। ये वर्षा हमें ज्ञान देती है कि जो जो व्यक्ति जिसके जीवन में नम्रता है, जो झुकता है, उसके जीवन में सदगुण आ जाते हैं। अगर जो व्यक्ति सबको प्रणाम करता है उसको सब आशीर्वाद देते हैं, बेटा चिरंजीव आशीर्वाद जी है वो बेटा, लेकिन जो खड़ा रहता है वहां से वो मिट्टी बहा करके लाती है और जो झुका हुआ उसके अंदर भर देता। आप गंगा जल लाने जाओ गंगा जी के तट पर, बर्तन को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा तब उसमें वो गंगा जल आता है। समिटी समिटी जल भरही तलाबा, जिमि सदगुण सज्जन पहिया। जैसे समिटी समिटी जल भरही तलाबा, जिमि सदगुण सज्जन पही आवा। जो सज्जन व्यक्ति उस सबको प्रणाम करते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं, उसके भीतर सब सदगुण आ जाते हैं। ऐसी भगवान की कथा हम आप सुन रहे हैं, ये वर्षा भी हमें ज्ञान देती है। कल तक हमने भगवान की कथा कहां तक सुनी थी, थोड़ा बोलना सब लोग, कहां तक सुनी थी, पार्वती विवाह तक। बहुत सुंदर, एक बार इनके लिए जो बोल रहे हैं जोड़ तालियां, इसका मतलब आप कथा सुन रहे हैं, और कथा सुनना भी है। देखो यजमान जी तो खर्च कर रहे हैं, हम लोग ऋषिकेश से बुला रखे हैं, सब साउंड व्यवस्था भी है, ये लाइव व्यवस्था भी है, सब व्यवस्था बना रखे हैं, और उसके बाद भी हम न सुने तो किसका दोष है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप समझें, शायद हो सके समझ ना आ रहा, लेकिन मैं बार बार रिपीट करके ऐसा नहीं ऐसा समझा रहा, फिर भी न समझें बड़े ध्यानपूर्वक समझना, आपका आनंद आता है यदि आपका मन लग गया तो, इससे बढ़कर कुछ है नहीं। क्योंकि संसार में सब लोग स्वार्थी हैं, कोई किसी का नहीं है। जैसे मानो यहां सामने ज्वाला जी जाना है, एक साथ किसी बस पर बैठ गए हम लोग,
किसी ने आगे तनखेड़ा है क्या है वहां उतर गए, तो ये झोल तो यही है, ये झोल है क्या है, ऐसे ऐसे करके अलग अलग जो स्टोव है वहां उतर जाएंगे। लेकिन ज्वाला जी हमने ही जाना है, ये सब संसार का नियम है, सब संसार में आए हैं, लेकिन जहां तक जिसका स्टोप है वहां तक वो चलेगा। पिता कहां तक जाएंगे, माँ कहां तक जाएगी, भाई कहां तक जाएगा, पति पत्नी सब, लेकिन वहां केवल हमें ही जाना है। मत कर तू अभिमान रे वंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान झूठी ममता झूठी काया झूठी ममता झूठी काया, ये सब स्वार्थ के हैं, केवल वहां हमें जाना है। इसलिए हमारे साथ जो जाएगा, जो हमारा सहयोग देगा, वो केवल भगवान का नाम है और कोई भी साथ नहीं देता। चलम चित्तम, जो मन है ये भी जहां ले जाओगे वहां भाग जाता है। आप जाएंगे कथा में लेकिन कहीं और भाग जाता है। अरे दिन में तो छोड़ो, रात में भी भाग जाता है, सो रखे हैं ओ ज्वाला जी दर्शन करने चले गए, वैष्णो देवी चला गया, इस मन का भरोसा नहीं। चलम वित्तम, पैसा कभी तुम्हारे पास है कभी और के पास होगा, इसका भी भरोसा नहीं करना। ध्यान रखना, पैसा भी प्रारब्ध से मिलता है, मेहनत से नहीं मिलता है, ध्यान रखना। कुछ लोग बोलते हैं मेहनत से पैसा मिलेगा, नहीं जी, तीन चीजें हमें पिछले जन्म के हिसाब से मिलती है, ध्यान रखना। क्या क्या? पत्नी, विद्या और पैसा। कुछ लोग दिन भर पढ़ते हैं याद नहीं होता है, और कुछ बच्चे तुरंत पढ़ा याद हो गए, फर्स्ट आ गए। पत्नी अच्छी मिल गई तो जीवन स्वर्ग हो जाता है, और धर्म पत्नी अच्छी न मिली तर्क है तो वो जीवन वो घर नरक हो जाता है। पैसा, कुछ लोग दिन भर दिहाड़ी करते हैं, 400-500 रुपए पैसे मिलते हैं, और कुछ लोग कुछ भी नहीं करते, सांझ को 2-4 हजार जेब में लाते हैं। इसलिए भगवान का भजन करना, जो वित्त जो पैसा ये भी अपना नहीं है। पैसा यदि जीवन में आ जाए तो ये इसकी तीन गति है, ध्यान रखना आप लोग। पैसा यदि आपके पास हो, पहला काम है उसका दान देना, दूसरी अपनी व्यवस्था जुटाना, उसको भोगना। और जो लोग ये दो काम नहीं करते, तीसरा काम है पैसे का नाश कर देना, या तो गलत संगति में या गलत काम में लग जाएगा वो पैसा, उसको समाप्त करना। इसलिए भगवान का भजन कीजिएगा संभव जितना हो। कल हमने भगवान शंकर और पार्वती के ब्याह की कथा सुनी। भगवान शंकर की बारात कहां आई थी, कहां आई थी? हिमाचल। बहन जी सोच रहे हिमाचल बोलेंगे तो देना पड़ेगा कुछ, क्योंकि बराती तो हम लोग हैं, उत्तराखंड से आई है। पार्वती बोलेंगे तो वो जाने पार्वती की मैया, और हिमाचल बोलेंगे तो हिमाचल में तो सब आगे देना पड़ेगा मेहमानों को, है सब। और देखो ये तो शास्त्रीय बात अलग है, लेकिन सामाजिक बात भी है। जब से भगवान शंकर का ब्याह हुआ है और यहाँ के लोगों ने दान दिया है कुछ थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं दिया, भगवान शंकर ने कहा मुझे नहीं चाहिए कुछ, यहीं रखो तुम, और मेरे जो आगे प्रिय हैं ब्राह्मण वो यहाँ से हिमाचल से लेकर जाएंगे। तब से ये प्रथा हमारी उत्तराखंड के ब्राह्मण हिमाचल में आते हैं, पहले से आप सब लोग जानते हैं। हिमाचल के पंडित जी तो नहीं जाते कोई उत्तराखंड में, नहीं जाते हैं। तब से यहां आते हैं, और तब से आप लोगों का, हम लोगों का जो आपस में प्रेम का संबंध है, बहुत आपस में एक जैसा सब है हम लोगों का स्वभाव, तब से यहाँ के लोग हमारे उत्तराखंड के ब्राह्मणों को दान देते रहते हैं। बहुत विधिवत ब्रह्मा जी की विधि के द्वारा भगवान का ब्रह्म विवाह संपन्न हुआ। सारे लोग आनंदित ढंग से भगवान शंकर और पार्वती मैया के ब्याह में खूब आनंदित हुए। गौरी शंकर भगवान की जय। स्वयंभू मनु सतुरूपा की 5 संतानें हुई। कल आपने 3 बेटियों की कथा सुनी, कौन कौन सी बेटियां थी? आकुति, देवहूति
और प्रसूति। प्रसूति का ब्याह किससे हुआ? दक्ष प्रजापति से, आकुति का रुचि प्रजापति से, और देवभूति का विवाह हुआ कर्दम जी से, जिनका एक पुत्र हुआ कपिल मुनि, जिन्होंने अपनी माँ को सांख्य शास्त्र के बारे में समझाया, माँ जी यदि तुम जीवन को सफल बनाना चाहते हैं भगवान का भजन करना माँ। और देखो क्या समझाए माँ जी को, कथा में भाव पीछे जाना पड़ रहा है। माँ जी जो संसार है ये सब स्वार्थ का है, बताया क्या कहा? काको सुत काको जगनाती, जैसे मिले पथिक के साथी। माँ जी संसार में मन लगाओगे तो दोबारा नरक में जाना पड़ेगा। कहा कैसे बेटा? माँ जी चार प्रकार की मुक्ति बताई, ध्यान से समझना क्या क्या है चार प्रकार की मुक्ति। सायुज्या, सामिप्या, सालोक्या और कैवल्या, ध्यान से समझना। सायुज्य मुक्ति किसे कहते हैं? जैसे महात्माओं की मुक्ति होती है। कैसे? जैसे महात्मा लोग शरीर छोड़ देते हैं, उनकी फोटो पर हम क्या लिखते हैं? स्वर्गीय नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ब्रह्मलीन। इसने इतना भगवान का भजन किया, ये महात्मा भगवान के संग मिल गया। सायुज्य मीन्स मिल जाना। दूसरी मुक्ति है, हमने भगवान का भजन किया, हम भगवान के नजदीक चले गए, जैसे आप या हम लोग देवभूमि में आ गए। तीसरी मुक्ति है सालोक्य, जो भगवान के धाम में बसते हैं, जैसे ज्वाला जी के समीप हैं या नैना मैया के समीप, जो भगवान के धाम पर रहते हैं वो सालोक्य। और कैवल्य, जो भगवान को भजन करके पाते हैं उस प्रभु की शरण में चले जाते हैं, वो कैवल्य। यहां इन मुक्तियों के बारे में बताए, माँ जी तुम यदि मुक्ति पाना चाहते हैं तो भगवान का भजन करो। माँ जी योग करो, फर्क बताया ज्ञानी और भक्त में, फर्क बताया, ध्यान से समझना। माँ यदि ज्ञानी व्यक्ति भगवान को पाना चाहता है, वो अष्टांग योगी के द्वारा भगवान के द्वार में जाता है। आठ प्रकार के उसके मार्ग हैं योग के। माँ जी पहले योग में यम होना होता है। यम मीन्स इंद्रियों को निग्रह करना, अपनी इच्छाओं को बस में रखना। दूसरी बात बताएं माँ जी, नियम से जो नियम बना ले वो हमेशा करना होता है। माँ जी ध्यान लगाना होता है, उस प्रभु को अपने हृदय चित्त में बसाना होता है, आसन को जीतना होता है माँ। ऐसे आठ प्रकार की विधियां बताई माँ जी, ये ज्ञानी जन करते हैं और वो भगवान को पाते। लेकिन माँ सरल उपाय क्या है? तुम भक्त बन जाओ। भक्त के लिए भगवान को क्या करना होता है? अवतार लेना पड़ता है। भगवान अपने धारा से इस धारा पर उतर आते हैं, लेकिन जो योगी जो ज्ञानी जन है वो ज्ञान के द्वारा भगवान के ओर जाते हैं। माँ जी को बहुत समझाए, माँ जी अगर भजन नहीं करोगे तो माँ जी मृत्यु लोक में, नरक में आना होगा। माँ जी को समझाने लगे, माँ जी जब पिता और माँ का सहवास होता है, माँ के गर्भ में जीव आ जाता है। माँ जी एक रात्रेण बुदबुदम, पहला सहवास होकर के माँ के गर्भ में बिल्कुल बुलबुले के समान, और धीरे धीरे माँ जी करकंदु के समान, एक महीने मांस पिंड के समान हो जाता है माँ जी। दो महीने में उसका धीरे धीरे शरीर बढ़ने लगता है, उसके ये नाखून आदि सब आने लगते हैं। ऐसे करके माँ धीरे 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 धीरे, और उसके बाद उसका बच्चा का पता लगता है कि वो बेटा या बेटी, और छह महीने में माँ इस कोख से दूस कोख में जाने लगता है। जैसा माँ खाती है वैसे उस बच्चे को मिलता है। माँ जी जब जीव माँ के गर्भ में होता है, उसका मुख नीचे की ओर होता है, पैर उसके ऊपर की ओर होता है, वो बिल्कुल झिल्ली में बिल्कुल लिपटा हुआ है माँ, और उसका मुख नीचे है, वहां मलमूत्र की गंध उसके मुख में जाती है माँ। उसका कोमल शरीर होता है, उसको माँ के पेट में जो छोटे छोटे कीड़े हैं उसके शरीर को काटते हैं, उसको बहुत दर्द कष्ट होता है माँ। वो वहां भगवान को याद करता है, प्रभु जी मुझे यहां से एक बार निकाल दो, क्योंकि मलमूत्र की गंदगी उसके मुख में जाती है। माँ जी वो भगवान की प्रार्थना करता है, मुझे इस बार निकाल दो, अगली बार मैं जरूर आपका भजन करूं।
बिल्कुल सिर नीचे पैर ऊपर भगवान को याद करता है, प्रभु बस कृपा करो एक बार। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। माँ जी भगवान के लिए वो जीव प्रार्थना करता है और कुछ समय बाद वो संसार में आ जाता है। संसार के लोग जैसे बच्चा हुआ बेटा हुआ सब लोग खुशी मनाते हैं ना, वो बच्चा क्वा 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 करता है, मैं कौन हूं, मैं कहां आया हूं, किसका पुत्र हूं। वो उस भगवान को याद स्मरण करता है, प्रभु मैं कहां आ गया। धीरे धीरे वो बच्चा उसको भूलने लगता है, संसार के लोग उसको माया में लिप्त करते हैं, बचपन उसका खेल खेल में चला जाता है। जवानी में ताकत होती है, पैसा होता है, ताकत होती है और वो भगवान को भूल जाता है। बुढ़ापे में वो भगवान को भजना चाहता है लेकिन उसकी आंखें काम करना बंद कर देती है, उसके हाथ पैर नहीं चल पाते हैं, तब वो भगवान को याद करता है लेकिन तब समय जा चुका है। माँ जी पुनः वो मरता है और फिर माँ के गर्भ में आता है। माँ जी यदि इस नरक से तुम्हें बचना है भगवान का भजन करो। बेटा क्या करना पड़ेगा उसके लिए सरल उपाय बताओ, तो कपिल मुनि अपनी माँ जी को सरल उपाय बताते हैं। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो। माँ जी यदि तुमने सरल काम करना है, अच्छे लोगों की संगति करो और उससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छा ही गुण आएगा, बुरे लोगों की संगति होगे तो बुरा ही गुण आएगा। भौरा फूल का संग करेगा तो भगवान पर भी अर्पण हो जाता है, गंदगी का संग करेगा तो उसको नाली में जाना होता है। ऐसी कथा हमने कल तीन बेटियों की सुनी, देवहूति आकुति प्रसूति। इनके दो पुत्र हुए जिनका नाम क्या है, प्रियव्रत और उत्तानपाद। ये स्वयंभू मनु के जो बेटा उत्तानपाद है, उत्तानपाद कहते हैं जिसके पैर ऊपर है और सिर नीचे, मतलब हम सब जीव। इस राजा की दो पत्नियां हैं जिनके नाम क्या कहे हैं, सुरुचि और सुनीति। ध्यान से समझना, हमारी कथा है ये। उत्तानपाद हम लोग हैं, हम सबके मां के पेट में सिर नीचे होते हैं और पैर ऊपर होते हैं। ये दो पत्नियां कौन कौन सी, सुरुचि और सुनीति। इनका अर्थ क्या होता है, सुरुचि किसे बोलते हैं, ध्यान से समझना। पतिव्रतावलंबनी आलंकरणे शयने चा सा सुरुचि, ध्यान से समझना। हम सबकी भी दो दो पत्नियां हैं, ध्यान से समझना, आपकी भी और हमारी भी, लेकिन आप किससे ज्यादा प्रेम करते हैं, ध्यान से समझना। सुरुचि जो केवल खाने पर ध्यान रखती है, जो सोने पर ध्यान रखती है, जो अपने आप को सजाने में ध्यान रखती है, जो हर समय सोना पसंद करती है, वो सुरुचि है। और सुनीति किसे कहते हैं, सुष्टुर नीति, जिसकी अच्छी नीति। ये इस राजा की दो पत्नियां हैं और इन दोनों पत्नियों के एक एक बालक हुए, ध्यान से समझना। सुनीति का जो बेटा उसका नाम क्या है, ध्रुव, और सुरुचि का जो बेटा उसका नाम है उत्तम, ध्यान से समझना। इनका फल है, सुनीति का जो फल है वो ध्रुव, ध्रुव कहते हैं जो कभी नाश नहीं होता, जो अटल रहता है, जो अमिट रहता है, जो अनश्वर रहता है। और जो सुरुचि का जो पुत्र है उसका नाम है उत्तम, उत्त कहते हैं ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, और तम किसे कहते हैं, अंधेरे के लिए, अंधकार के लिए। जिसका भगवान के प्रति अंधेरा है, भगवान के प्रति जो अज्ञान में जी रहा है, जो अंधकार में जी रहा है। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगे, लेकिन जो राजा है ये कलिकाल का है और ये किससे प्रेम करता है, सच बोलना आप लोग, ये राजा किससे प्रेम करेगा, सुरुचि से या सुनीति से? सुरुचि से। कलयुग में रामायण में क्या लिखा है कि कलिकाल में वो राजा तो था ही, लेकिन हम सब लोग भी किससे प्रेम करते हैं, बोल दो एक बार सच। सुरुचि से। क्या लिखा है,
नारी विवसे नर सकल गुसाही नाच हुनट मरकट की नाही। कलयुग में हम सब लोग जो पुरुष हैं वो किसके बस में हो जाएंगे? सुरुचि के बस में। एक बस होता है और एक दूसरा क्या होता है? विवस। बस वाला तो छूट सकता है अगर कहीं बस लुढ़क जाए, बस सब जानते हैं बस। बस अगर कहीं खाई में चलेगी तो कुछ लोग खिड़की से शीशों से बाहर निकल पड़ते हैं, कुछ लोग बच सकते हैं, लेकिन विवस जो बंधे हैं वो फिर छूट नहीं सकते। ये जो राजा है ये सुरुचि के बस में, उसके पुत्र से ही प्रेम करते हैं, जो सुनीति का जो बेटा है उससे प्रेम नहीं करते। दोनों बालक 5 वर्ष के हुए। जो सुनीति है उसका बेटा जो ध्रुव है वो धीरे धीरे आंगन में आता है, पिता जहां बैठे हैं महल में वहां पहुंचता है। लेकिन राजा की अर्धांगिनी सुरुचि साथ में बैठी है, उसका बेटा उत्तम राजा ने गोद में लिया है। ध्रुव भी चाहता है सुनीति का बेटा कि मैं भी पिता की गोद में बैठूं, लेकिन जैसे उसने प्रयास किया ऊपर गद्दी पर चढ़ने का, पिता की गोद में चढ़ने का, तो जो सौतेली माँ है, जो अभिमाता है, उसने कहा ए बेटा ध्रुव तो पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। ये गोद में बैठेगा तो केवल उत्तम बैठेगा, और यदि तुम्हें बैठना है बेटा तो क्या करो? भगवान का भजन करो। भगवान का भजन करना बेटा, और उसके बाद तू मेरे गर्भ में जब आएगा तब जन्म लेगा, तब तू इस पिता की गोद में बैठ पाएगा, तब तू राजा की गद्दी पर बैठ पाएगा। इसलिए बेटा अभी तुम इस गद्दी में नहीं बैठ सकते। जैसे इस 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने सुना पिता अभिमाता की वाणी, तो रोते हुए बिलखते हुए अपनी माँ के पास गया। माँ जी ये हमारे पिता हैं या नहीं है? नहीं बेटा वही पिता है। माँ मैं आज पिता की गोद में बैठना चाहता था, लेकिन जो अभिमाता सौतेली माँ है उसने मुझे मना किया। क्या कहा बेटा? कहा जाओ ध्रुव तुम पहले भगवान का भजन करो। तो बेटा ये तो ठीक कहा उसने, ये तो अच्छी बात है, लेकिन माँ दूसरी बात उसने कही कि तब तू मेरे गर्भ में आएगा, जन्म लेगा और तब तू गोद में बैठेगा। बेटा दूसरी बात उसने अच्छी नहीं की। अरे पहले भगवान का भजन करेगा, भजन तो मुक्ति के लिए होता है, उसे नरक में नहीं जाएगा बेटा, इसलिए बेटा तुम भगवान का भजन करो। सुनीति एकांत स्थान पर गई, बेटे को तो समझाया लेकिन अपने आप को कोसने लगी। मैं कितनी भाग्यहीन हूं जो मेरा बेटा ध्रुव है और इससे राजा प्रेम नहीं करता, सुरुचि से और उसके पुत्र से प्रेम करता है, अपने आप को कोसने लगी। मैं दुर्भाग्यहीन हूं, ऐसे बालक को जन्म दिया है और आज तरस रहे पिता की गोद में बैठने के लिए, अब मैं क्या करूं? अपने आप को कोस रही है। क्या बोल रही मां? सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। अपने आप ही अपने में बोल रही मैं दुर्भाग्यशाली हूं, मेरे पेट से इस बालक ने जन्म लिया और आज ही गोदी में बैठने के लिए तरस रहा है। माँ जी अब आप मुझे आदेश दो, मुझे क्या करना है? मैं उस भगवान का भजन करूंगा। वो प्रभु कैसे होते माँ? वो भगवान कहाँ मिलते माँ? आपने भी बोल दिया, उस माँ ने भी कहा सौतेली माँ ने कि भगवान का भजन कर, और तुमने भी बोल दिया माँ, अब तो करना ही चाहिए। और इस बेटे ने दृढ़ नियम लिया और भगवान के भजन के लिए तैयार हो गया। माँ जी वो भजन, वो परमात्मा कहाँ मिलेंगे? वो भगवान कैसे होते माँ? माँ तो चुपचाप बैठ गई, माँ की आंखों में तो अश्रुधारा बहने लगी। ये छोटा सा बच्चा 5 वर्ष का वन में जाएगा और इसको तो पशु जो जंगली जानवर वो इसको मार डालेंगे, ये कैसे जानेगा कि भगवान कैसे होते हैं? मन ही मन में अपने आप को कोसने लगे। ध्रुव आज माँ को प्रणाम करता है और वन की ओर प्रस्थान करता है। आज सुनीति माँ भगवान को याद करती, हे प्रभु इसकी रक्षा करना। ये छोटा सा बालक ध्रुव आज भजन की
लिए प्रस्थान करता है, भगवान को पाना चाहता है। आज सुनीति माँ भगवान को याद कर रही, प्रभु इसको सदमार्ग देना, इसकी रक्षा करना, और सुनीति भगवान को याद कर रही है। आतिष्ट तत्तात बिमत सरस्त्वा मुक्तम समात्राप्यद व्यलीकम आराधया दोक्ष पाद पद्मम यदिक्षसि ध्यासम तो सनुत्तमो यथा। हे प्रभु, हे अधोक्षक भगवान, हे कमल नयन प्रभु, आप इसकी रक्षा करना। और ये बेटा भगवान के भजन के लिए वन में निकल पड़ा। प्रभु आप सबकी रक्षा करते हैं, ध्रुव वन की ओर निकल पड़ा। भगवान ने विचार किया, छोटा सा बच्चा और ये बालहट, ये मुझे पाएगा? भगवान ने तुरंत नारद जी को भेजा, नारद जी इस बच्चे को तुम कुछ ज्ञान प्रदान करो, इसको वापस भेज दो। नारद जी रास्ते में गए, ध्रुव को प्रणाम किया, ध्रुव ने भी नारद जी को प्रणाम किया। बेटा आप कहाँ जा रहे हैं? महात्मा जी मुझे भगवान को पाना है, मैं भगवान के भजन के लिए वन में जा रहा हूं। अरे बेटा भगवान वन में नहीं मिलते हैं, यहां तो जो पशु होते हैं जंगली वो तुम्हें खा डालेंगे बेटा, तुम्हें मार डालेंगे, तुम वापस जाओ बेटा। मैं तुम्हारी मन की बात जानता हूं कि तुम पिता के गोद में बैठना चाहते हैं। तुम्हारी सौतेली माँ ने कहा कि भगवान का भजन कर और तब मेरे उदर में आएगा, फिर तो गोद में बैठेगा, इसलिए बेटा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें पिता के गोद में बिठा देता हूं। लेकिन बालहट जो बच्चों की जिद होती है ये बड़ी कठिन होती है। बहुत समझाया नारद ने नारद जी से, इस बालक ने निवेदन किया, प्रभु हे गुरुदेव हे महात्मा जी आप मुझ पर कृपा करो, और वो भगवान कैसे होते हैं, वो कहां मिलेंगे, आप मुझे मार्ग बताइए। जब नहीं माना ये बेटा तो नारद जी ने इसको विधि बताई कि भगवान को कैसे कैसे भजना है, वो भगवान कैसे मिलेंगे, वो कब मिलेंगे, उस बेटे को समझाने लगे। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम सुचि पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। बेटा यदि तुम पाना चाहते हैं प्रभु को तो आगे यमुना जी है, यमुना जी के तट पर जाना, वहां भगवान नित्य लीला करते हैं और वहां वो कन्हैया तुम्हें मिल जाएंगे। जाओ बेटा तुम यमुना के तट पर जाओ। लेकिन बेटा वहां जाना, मधुबन नाम का तट है, यमुना में स्नान करना, यमुना का पान करना जल का, और वहां भगवान का ध्यान लगाना बेटा, उस प्रभु को ध्याना, कैसे उसको भजना है। नारद जी उस बेटे को समझा रहे हैं वो भगवान कैसे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। श्रीवत्सांक्यम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्मे रवि व्यक्त चतुर्भुजम। बेटा जब यमुना तट पर जाओगे तो कैसे भगवान का ध्यान करेंगे, जिनके चार हाथ हैं, जिनके चार हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म है, जिनके वनमाला पहनी है, जिनके पीले वस्त्र धारण किए हैं, मोर मुकुट है, अधरों पर बांसुरी है, ऐसे भगवान का बेटा तुम ध्यान करना, वो भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। अब नारद जी इस बालक को मंत्र देते हैं, बेटा इस मंत्र को जपते रहना और जब उस भगवान के दर्शन होएंगे तब अपना निवेदन उन प्रभु को समर्पित कर। आज इस बालक को मंत्र दे दिया, द्वादशाक्षर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बेटा इस मंत्र को जपना और तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। ये बेटा इस मंत्र को जपते जपते धीरे धीरे वन की ओर प्रस्थान करने लगा, यमुना तट पर गया और आधा शरीर यमुना के जल में, और धीरे धीरे प्रणाम करते हुए उस प्रभु को ध्यान लगा। पहले इस बेटे ने धीरे धीरे
अपना अन्न छोड़ा। तीन तीन दिन छोड़ करके इसने पहले बेर खाए, फिर नौ नौ दिन के भीतर घास, फिर पानी, और धीरे धीरे सब कुछ इसने त्याग दिया। श्वास भी अपने बस में कर दी। छह महीने हो गए, इसने अपनी श्वास रोक ली ध्यान योग के माध्यम से। इस संसार में भूचाल आने लगा है, भूकंप आने लगा है, सारी पृथ्वी कांपने लगी। छोटा सा बालक छह महीने हो गए अन्न जल त्यागे हुए, उस भगवान को भज रहा है। सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए, प्रभु इस पृथ्वी में कंपन हो रहा है, क्या हो गया? भगवान ने कहा, छोटा सा बालक मुझे पाना चाहता है प्रभु। भगवान शंकर ब्रह्मा आदि देवता ने कहा कि एक बालक मुझे भज रहा है, मुझे पाना चाहता है। कहा, प्रभु जी जाओ भगवान कन्हैया, उसको वरदान दे दो। छह महीने हो गए, आज भगवान यमुना तट पर गए और ध्रुव के सामने खड़े हो गए। इस बालक ने आंख मूंदी है, हाथ जोड़े हैं, उस प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। भगवान सामने खड़े हो गए, लेकिन ये बालक आंखें न खोले। भगवान ने कहा, अब क्या करूं, ये आंख ही नहीं खोल रहा, अब क्या करूं? प्रभु ने ध्यान लगाया, जिस आंखों में, जिस मूर्ति, जिस चित्र की वो दर्शन कर रहे हैं, चार हाथों वाला वो फोटो, वो ओझल उसके आंखों से हटाया, उसने आंखें खोली। जब वो ध्यान में जो भगवान दिख रहे थे वो हटा दिए। इस बालक ने आंखें खोली, सामने भगवान खड़े हैं, इतनी चमक, इतनी तेज, बहुत दिव्य सुंदर है परमात्मा। ये बालक तो कांपने लगा, इसकी आंखों में अश्रु धारा बह गई, कुछ बोला नहीं, कांपने लगा। भगवान ने कहा, बेटा क्या चाहते हो बताओ, आपने तपस्या की, मैं खुश हूं, क्या चाहते हैं आप? ये तो कुछ बोल ही नहीं पाया, घबराने लगा, रोने लगा। भगवान ने कहा, बोलो बोलो। नहीं बोल पाया बच्चा। भगवान का जो पांच जन नाम का शंख है वो लिया भगवान ने, उसके कपोलों पर लगाया, उसके कंठ पर लगाया। जैसे भगवान ने स्पर्श किया उसके कंठ को, कपोलों को, अब ये जब बच्चा बोलने लगा है। अब क्या बोल रहे बच्चा, देखो बड़ी सुंदर स्तुति। आ हा, क्या बोला? योन्तः प्रविश्य मम, योन्ता प्रविश्य मम वाच्मि मां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्न अन्यासहस्तचरण श्रवणत्वगादी प्राणा नमो भगवते पुरुषाय। पहले से बोलना नहीं आता था, हिंदी तो दूर की बात, बोलना भी नहीं आता था, लेकिन अब इस बच्चे ने संस्कृत में बोला। और क्या बोला देखो, क्या कहा? यो अंता, हे प्रभु अंता मनी भीतर, आप ही मेरे भीतर प्रवेश करो। मम वाच, मम होता है मेरा, मेरी वाच कहते हैं सुषमा वाणी के लिए। आप मेरी वाणी को सजीव करो, वो निर्जीव है उसको सजीव करो प्रभु। जैसे भगवान ने स्पर्श किया, कहा प्रभु आप मेरे भीतर प्रवेश करो, मेरी वाणी जो सोई हुई है उसको जगा दो। और अब ये बालक तो बहुत ही बहुत आराधना करता, अभी तुमने बहुत स्तुति की, प्रभु मैं अब नहीं जानता कोई और है, अब तुम ही तुम है, मैं आपको ही जानता हूं, मेरे तो आप ही आप हैं। भगवान ने क्या क्या चाहते हैं, कुछ और वरदान चाहते हो बेटा? नहीं प्रभु जी, अब कुछ नहीं चाहिए। एकस्त्वमेव भगवन् निधिमात्मशक्त्या मायाख्ययोर्गुणया महदाद्यशेषम्। प्रभु बस केवल अब आपके दर्शन चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आप ही आप मुझे मिल जाएं और नहीं चाहिए कुछ। बेटा कुछ चाहिए? नहीं नहीं गुरुदेव, कुछ नहीं। जाओ मैं वरदान देता हूं, तुम अब यहां से जाओगे, 36,000 वर्ष तक तुम राजकाज करोगे, अंत में तुम ऐसे लोक को जाओगे जो हमेशा अमर हो जाएगा। ऐसा निर्माण किया भगवान ने, ऐसा दिव्य लोक बनाया जिसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव लोक, जानते हैं ध्रुव तारा, आज भी उस अंतरिक्ष में स्थित है। सारे तारामंडल तुम्हारी परिक्रमा करेंगे, क्योंकि तुमने भगवान को भजा है, तुम अमर हो गए हैं, तुम अजर हो गए।
कुछ और चाहते हैं बेटा? नहीं प्रभु जी, बस आप मिल गए, अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान को प्रणाम करता है, प्रभु केवल आपकी भक्ति मुझे मिल जाए। भक्ति मुहु प्रभताम त्वय मे प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयानम। प्रभु बस अब केवल आपकी भक्ति मिल जाए, उससे ही मेरा उद्धार होगा। भगवान इस पर कृपा करते हैं, वरदान देते हैं। ये बालक अंत में राजकाज करता है। जिस माता ने कहा कि जाओ भगवान का भजन करो, आज वही माँ स्वागत में खड़ी है। समझ गई कि इस पर कृपा हो गई है भगवान। प्रभु अब बस केवल आपको भजना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज सब संसार वाला उसका सब स्वागत करने लगे। ध्यान रखना, जब प्रभु भगवान की कृपा होती है तो सब अपने हो जाता है, और जब परेशानी आती है, विपत्ति आती है, तो सब छोड़ देते हैं, फिर कोई भी साथ नहीं देता। दुनिया का भरोसा मत करना, दुनिया में किसी का कोई नहीं। कहा कोई किसी का नहीं, जो विपत्ति आती सब छोड़ देते हैं, और संपत्ति आए, भगवान की कृपा हो जाए, सब अपने हो जाते हैं। ये बालक भगवान को भज रहे हैं, इसके साथ हम लोग भी भगवान को अपने आप को समर्पित करते हैं। प्रभु हमारा कुछ नहीं, आप ही हमारे सब कुछ हैं। नारायण भगवान की जय। इसने भगवान को कहा अब मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आप मुझे मिल गए हैं, अब कुछ नहीं चाहिए, मैं ये आपका हो गया। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 मुरलिया वाले रे सवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सवरिया वाले रे, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हाथ उठा करके ताली, हाथ उठा करके प्रभु हम आपके हैं, समर्पित होकर श्रीराज।
मुरली तेरे हाथ की, हम तो मुरली तेरे हाथ की, हम तो है मुरली तेरे हाथ की, 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 चाहे तो त्रिभुवन चाहे तो जैसा बजाले मुरलिया वाले, चाहे तो जैसा बजाले जाइएगा मुरलिया वाले, चाहे तो जैसे बजाले मुरलिया वाले, चाहे तो जैसे बजाले मुरलिया वाले, जीवन है, जीवन है तेरे हवाले। है कृष्ण भगवान की है। यहाँ ध्रुव जी ने कहा, प्रभु अब मुझे आप ही अपना लो, अब मुझे संसार में कुछ भी नहीं करना। भगवान कृपा करते हैं, ध्रुव लोग इसको प्रदान करते हैं, 36,000 वर्ष तक राज कार्य करते हैं और हमेशा के लिए अमिट हो जाते हैं, अजर हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग, किसका फल है ये, किसका पुत्र है ये, सुनीति का। अगर अच्छा काम करेंगे तो हमेशा के लिए अमर हो जाओ। जो सुरुचि का पुत्र है वो शिकार खेलने के लिए वन में जाता है, यक्षों के द्वारा उसका वध हो जाता है, उसको यक्ष मार डालते हैं, वो समाप्त हो जाता है। आगे इनके वंश में नाभि हुई, मेरु हुई और इनके 100 पुत्र हुए हैं। इनका जो छोटा भाई प्रियव्रत है, ये आत्मा राम है, भगवान ही है स्वयं, इतना नित्य परमात्मा के भजन में लगे रहते हैं, ये जो प्रियव्रत है भगवान का स्वरूप है। उत्तानपाद उसका भाई प्रियव्रत, उसके वंश में आगे नाभि हुए एक राजा, उनकी पत्नी का नाम मेरु और उनके 100 पुत्र हुए। 100 पुत्र कैसे कैसे हुए उनको, 81 पुत्रों को, आप क्या बोलते हैं 81 को, 81 बोलते हैं पंजाबी ची, क्या बोलते हैं, संस्कृत में अष्ट एकोशी, 81 बच्चों को इसने कर्मकांड में लगाया। तुम सनातन का प्रचार प्रसार करो, जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, देखा होगा आपने कुंड के चारों तरफ कुशा बिछाते हैं, देखा आप लोगों ने, कुशा डालते हैं चारों तरफ, ये उनके ही स्वरूप माने जाते हैं कि ये कर्मकांड की विधाएं हैं। और 81 कुशा ही कर्मकांड में लगती है यज्ञ में, कहा कि यहां कोई विघ्न ना आए, कोई रुकावट ना आए। 9 बच्चों को
नौ जो हमारे द्वीप हैं उनके अधिपति बनाए। कितने हो गए? 90 हो गए, 81 हुए हैं और 9 अधिपति बने हैं। 90 हो गए, देख रहे हैं, क्योंकि कम हो जाए तो यहां से देख लेंगे, बस ज्यादा हो जाएंगे फिर कम कहां कैसे कर, क्योंकि जब 100 हैं तो कम कैसे। और 9 पुत्रों को नव योगेश्वर बने, 9 इन्होंने कहा कि जाओ तुम जो सनातन है उसका प्रचार प्रसार करना। और जो सबसे बड़ा बेटा है उसका नाम क्या है? भरत, जिसके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। पहले हमारे देश का नाम क्या था? जोर से बोलना किसको यदि पता है। एक बार सौरभ जी के लिए जोरदार तालियां, जो हमारे भैया हैं। अजनाब था, ध्यान रखना है। हम किस द्वीप में आते हैं? 7 द्वीप हैं ना एशिया, तो ठीक है बाबू, लेकिन हिंदी में एशिया ये है जम्बू द्वीप। हमारा जो देश की गणना जम्बू द्वीप, हमारा देश की सागर में बसता है हिंद महासागर, इसलिए तो हिंदुस्तान बोलते हैं। जो इनके बड़े बालक हैं जिनका नाम भरत है उनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। बामनी भक्ति रतमणि लगा हुआ, जो भक्ति में जो ज्ञान में जो खोज में जो ढूंढ में जो शोध में लगा रहता है उसको क्या कहते हैं? भारत या भरत। पहले दिन आपने कथा सुनी, भारत भूषण भूत गतिर्यस्य दुरत्य। इस बालक के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और इनके पिताश्री ने जो नाभी हैं उन्होंने अपने बालकों को समझाया, नाभी के मेरु के ऋषभ हुई और ऋषभ के ये 100 पुत्र हुए। इनके पिताश्री जो 100 पुत्र हुए इनके ऋषभ जी के नाम से, ऋषभ के वे 100 पुत्र, इनके दादा नाभी और नाभी के ऋषभ और ऋषभ के ये 100 पुत्र। ऋषभ जी ने अपने 100 पुत्रों को देखा, तब बने ये अधिपति, तब बने योगेश्वर, तब बने ये कर्मकांडी, पहले संसार के कामों में लग गए। ऋषभ जी ने देखा कि बेटों तुम या संसार के काम में लग गए हैं, इससे कल्याण नहीं होगा। बच्चों यदि तुम अपना कल्याण चाहते हैं तो भगवान का भजन करो। पिताश्री भगवान का भजन क्या होता है, इससे करने से क्या होगा? अपने बेटों को समझा रहे, ध्यान से समझना। जो लोग समझते हैं इसको करने से कुछ नहीं होता है, वो ध्यान से समझ रहे। जो समझते हैं कि पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है, वो ध्यान से समझ रहे। ये ऋषभ देव जी अपने बालकों को क्या समझाते हैं? नायम देहो देह भाजां निलोके कष्टान कामान अर्हति विद्भुजां तपो दिव्यं पुत्र कायेन सत्वं शुद्धे द्यस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। इन बच्चों को समझाए, बेटा आप मानव योनि में आए हैं, ध्यान से समझना हमारा कर्तव्य क्या है, हमें ये पूजा पाठ करना चाहिए, ये मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, ध्यान से समझ। बेटा ये मानव योनि है, ये मानव योनि कैसी है? ये नाव है, ध्यान से समझना। नाव से हम नदी को पार कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यदि नाव में पानी आ जाए तब नाव डूब जाती है। वो पानी संसार की माया, वो संसार का अभिमान, वो संसार का काम यदि इस नाव में आ जाए तो ये नाव डूब जाए। यहां समझाने लगे, हे पुत्रों ध्यान से समझना, लिखा है कि 4 प्रकार के मुख्य प्राणी होते हैं, सृजन हुआ है, सृष्टि होती है 4 प्रकार के मुख्य। कहा कैसे कैसे पिताश्री, ध्यान से समझना। कहा एक सृष्टि होती है अंडज सृष्टि,
एक होती है उद्विज, ध्यान समझना, एक होती है स्वेदज और एक होती है जरायुज। अंडज सृष्टि में कौन कौन उत्पन्न होते हैं? सरल भाषा में जो अंडे से जन्म लेते हैं। स्वेदज, स्वेद कहते हैं संस्कृत में पसीने के लिए। पसीने से क्या क्या प्रकट होते हैं, क्या क्या जन्म लेते हैं? जो पहले हमारे सिर में होते थे ना ज्यादा, जब शैंपू ये व्यवस्था नहीं होती थी, क्या हाँ जब वो होते थे तब सिर दर्द भी नहीं होता था लोगों को, क्योंकि वो निराई गुड़ाई करते थे। अब तो सारे डैंड्रफ ही सब के सिर में सिर दर्द भी। जो पसीने से जैसे खटमल इत्यादि आपने किसी बक्से में अन्न रखा है, धान रखा है, नाज रखा है और बिल्कुल एकदम आपने बंद कर दिया, कुछ दिनों बाद उसके भीतर वो कीड़े वाइट वाइट से निकल जाते हैं, या ये जुए ये पसीने से प्रकट होते हैं। तीसरी सृष्टि बताई अंडज, सॉरी जरायुज, पहली अंडज है ठीक है अंडे से, दूसरी पसीने वाली और तीसरी जरायुज, जो जार के द्वारा प्रकट होते जैसे आप हम या गाय भैंस इत्यादि। और चौथी सृष्टि जो है उद्बीज, जो बीज के द्वारा प्रकट होते हैं। बेटों इनमें से सबसे श्रेष्ठ जो सृष्टि है वो मानव की है। का क्यों? अपने बेटों को समझा, ध्यान से समझना क्या लिखा है। आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान ये तत्पशुभिर नारायण धर्मो हितेषु अधिको विशेष धर्मेण हीना पशुभि समान। ध्यान से समझना क्या कहा, मानव श्रेष्ठ है, फिर मानव से नीचे कौन है? पक्षी, और जो सबसे नीचे वो कौन है? पशु। ध्यान से समझना है पशु कौन है, पशु किसे कहते हैं हम लोग, बोलो जी एक बार जान लो। लेकिन संस्कृत में पशु किसे कहते हैं ध्यान से समझना, ठीक है ध्यान से समझना, पशु किसे बोलते हैं? आपने तो कह दिया जानवर, लेकिन यहां कहा है शास्त्र में पासा ही बंध्या पशवो बदंती, जो रस्सी से बंधा रहता है, जो डोर से बंधा रहता है उसको क्या कहते हैं? पशु। लेकिन जो गाय भैंस हमारे जिस रस्सी से बंधे रहते हैं वो कभी कभी टूट जाती है, लेकिन हमारी जो रस्सी है वो टूटती है कभी? आप वैष्णो देवी गई हैं, रस्सी कहां बंधी है? घर पर, ताला खुला तो नहीं छोटा होगा, अरे मैंने कुछ गहने बाहर तो नहीं रखे होंगे, वो रस्सी घर पर बंधी है। ये रस्सी तब टूट सकती है जब भगवान का भजन आप अहर्निस करेंगे, और ये रस्सी टूटेगी नहीं तो दोबारा यही आना पड़ेगा। सामान्य भाषा में जो रस्सी से बनते हैं उसको हम पशु कहते हैं। लेकिन दूसरी पहचान क्या है पशु की, वो केवल ध्यान रखना आप लोग, जो लोग बोलते हैं कि हमें केवल काम करना है खाने के लिए, पेट भरने के लिए, पशु के पास आप चारा देते हैं, घास डालते हैं, अपने बच्चे को भी देता है, बोलो जी जिन्होंने भैंस रखी देते अपने बच्चों को, देती भैंस अपने बच्चों को, हाँ बोल दो, अरे बच्चे के पास भी डालो वहां से भी निकाल लेगी खा लेगी। जो केवल अपने पेट को भरने में ध्यान देते हैं, जो केवल पेट भरना ही कर्म समझते हैं वो पशु है, वो मानव नहीं है। जो केवल समझते हैं कि नौकरी करें काम करें और पेट भरें वो पशु है, वो मानव नहीं है। चार उसको भगवान ने सीधा बनाया, उससे थोड़ा सा टेढ़ा पक्षी को बनाया, और पक्षी क्या क्या काम करता है, वो घर भी बनाती है, अपने बच्चों को जन्म भी देती है, अपने बच्चों का पोषण भी करती है, पालती भी है। चौमासे में हमारे घर में पानी आ जाए लेकिन घोंसले में पानी नहीं जाता है, समझ रहे हैं? जो केवल समझते हैं कि बच्चों को जन्म देना, बच्चों को पालना, इसको ही धर्म मानते हैं, इसको ही कर्म मानते हैं, वो भी मानव नहीं, वो क्या है? वो पक्षी की श्रेणी।
लेकिन मानव को भगवान ने सीधा बना, हे मानव तुझे पशु का ध्यान भी रखना है, पक्षी का भी रखना है, अपना भी रखना है, तूने समाज की सेवा सत्कर्म करना है जिससे तेरा उद्धार होगा। पशु योनि में पक्षी योनि में तुझे भान नहीं है कि तू क्या है, लेकिन मानव योनि में व्यक्ति को ज्ञान होता है। इसलिए हे बेटों इस योनि में भगवान का भजन करो, और भजन नहीं करोगे तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। मैंने मानुष जन्म तुम्हें हीरा दिया, जो तू व्यर्थ गवाए तुम्हें क्या करूं। ध्यान से सुनना आप लोग, हम लोग क्या क्या भगवान ने हमें दिया और हम उसको छोड़ करके कुछ और कर लेते हैं। अन्न दुग्धा बेखाने को तुमको दिया, सब कुछ दिया भगवान ने, और उसके बाद भी हम गड़बड़ कर देते हैं। क्या करते हैं? जो दूसरे का हिस्सा है उसे खा लेते हैं। क्या खाते हैं? जो और वैसे खाते तो नहीं होंगे यहाँ के लोग, खाते हैं तो छोड़ देते हैं। क्या? अन्न दुग्धा भी मैंने तुम्हें खाने को दिया, तू अगर मांस खावे तो मैं क्या करूं। हैं? अन्न कितने अच्छे फलों की व्यवस्था बना रखी है, उनको छोड़ करके हम दूसरी तरफ आ गए। वेद वेदों ने सारा बता ही दिया, जो समझ में न आवे तो मैं क्या करूं। फिर बाद में रोते हैं, जी बा ए रब बस क्यों नहीं किया कुछ है? तब रोते हैं, तब कुछ नहीं होगा। दीन दुखियों को सताने लगा, तूने जैसा किया वैसा पाने लगा, आज आंसू बहावे तो मैं क्या करूं। इन बच्चों को समझाया, ये बच्चे समझ गए और कुछ कर्म कांड में लग गए, कुछ योगेश्वर बने, कुछ अधिपति बने, और भरत जी तो भगवान के भजन में लग गए। भरत जी ने अपना घर त्यागा और गंडकी नदी जो नेपाल में बहती है उसके तट पर सुंदर घास फूस की कुटिया बनाई और वहीं भगवान के भजन में तल्लीन हो गए। आज भरत जी भगवान के भजन में तल्लीन हो गए, भगवान के भजन में लग गए, एकांत स्थान पर गए, और जैसे अपना भजन संध्या पूजा पाठ शुरू करते हैं तो पहले गंडकी में नदी में गए, स्नान किया, डुबकी लगाई, और जैसे जल के भीतर डुबकी लगाई उसी समय क्या हुआ, क्योंकि जंगल में जोर से शेर की आवाज आई और कुछ जो जंगली पशु उसमें चर रहे थे जानवर, वो डर के मारे भाग रहे। एक मृगा थी, हिरणा थी, एक हिरण थी, उसके पेट में एक शिशु पल रहा था, उसने भी शेर की आवाज सुनी और वो भाग भाग करके उस नदी को पार करना चाहती थी। उसने छलांग लगाई लेकिन पार नहीं हो पाई, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था वो स्राव हुआ, नदी में गिर गया, बहने लगा, वो पार हुई और पार जाकर के वो मर गई, खत्म। यहाँ भरत जी ने जैसी डुबकी लगा करके सिर ऊपर किया, छोटा सा नवजात शिशु पानी में बह रहा है। हे भगवान, मैं तो घर छोड़ करके यहाँ आया भजन के लिए और आपने ये माया यहाँ भेज दी, यहाँ तो कोई इस वन में है नहीं, इस बालक को कौन बचाएगा। भरत जी तुरंत उसके पीछे भागे, उस बालक को पकड़ लिया और उसको पोंछने लगे, उसको शिला पर रखा, उसके सारे जो आंख नाक कानों में पानी गया उसको निकालने लगे। इसकी जिम्मेदारी भगवान ने मुझे दे दी, उस बालक को साफ पोंछा, इसका पूरा शरीर पानी में गीला हो गया, ये कहीं मर न जाए इसके कानों में पानी चला गया। भरत जी अब तो उसकी सेवा में लग गए। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे वो बच्चा स्वस्थ होने लगा। भरत जी अब धीरे धीरे उसकी सेवा करते हैं, इसको मैं स्वस्थ करूं, इसकी माँ तो मर गई, अब मैं ही इसका सेवक हूं, इसका पालक हूं। भरत जी अब इस बालक की सेवा करते हैं, धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा, बड़े होने लगा। जैसे जैसे भरत जी भजन करते हैं, साधना करते हैं, ये उनको स्पर्श करते हैं, कभी कुशाल आते हैं यज्ञ के लिए, ये उछल उछल करके कुशा को खा लेते हैं। कभी भरत जी इतना प्रेम हो गया, कभी से कंधे पर उठाते हैं, कभी गोदी में लेते हैं। भरत जी भजन के लिए आए थे लेकिन मन मृग पर लग गया। ध्यान रखना मन कहाँ लगाना है, घर पर गाय भी रखना, सब कुछ रखना, लेकिन मन कहां लगाना ध्यान से। भरत जी का मन मृग के बच्चे पर लग गया,
लेकिन मृग का जो स्वभाव है वो तो मृग को ही पसंद करेगा। कुछ दिनों बाद वहां मृगों का झुंड आया और जो बच्चा पल रहा था मृग का, उसने झुंड देखा मृगों का और वो उनके साथ निकल पड़ा। भरत जी ध्यान समाधि से खड़े उठे, अपनी कुटिया में देखा, बाहर देखा, उस बच्चे को कहीं वो बच्चा मिला नहीं। बहुत विलाप करने लगे, चारों तरफ ढूंढने लगे। भरत जी का मन उस मृग पर लगा और धीरे धीरे भरत जी ने अपने शरीर त्यागा तो दूसरा जो जन्म था वो मृग योनि में लेना पड़ा। लेकिन याद है भरत जी को, मैं मृग योनि में आया हूं लेकिन मैंने भजन के लिए अपना घर त्यागा था, मैं भजन के लिए वन में आया था, मृग के चक्कर में पड़ करके मैंने भजन भूल दिया था, प्रभु कृपा कर। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, भरत जी ने जो शरीर मिला था मृग का वो भी त्यागा और अब एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया आंगे रस गौतम। भरत जी ने अब संकल्प कर दिया है कि अब मैं किसी से बोलूंगा नहीं, किसी से मोह नहीं रखूंगा, किसी से वार्ता ही नहीं करूंगा। किसी से बोलना है तो प्रेम हो जाता है, इसलिए किसी से बोलना नहीं। घर पर जैसे ब्राह्मण के घर में जन्म लिया अब तो बिल्कुल चुप रहते। धीरे धीरे बड़ा हुआ, छोटी अवस्था में पिताश्री संसार से चल बसे, बढ़ने लगे। माता ने कहा कि बेटा अब अपने अन्य पुत्रों को इसको स्कूल में ले जाओ, ये शिक्षा ग्रहण करेगा। लेकिन भरत जी को जैसे स्कूल में ले गए तो स्कूल में भी कुछ बोलते नहीं, क्योंकि बोलना है तो कुछ ना कुछ आसक्ति हो जाएगी, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। इदं शरीरं मम दुर्विभाव्यं सत्वं हि मे हृदयं, सत्वं हि मे हृदयं यत्र धर्मः पृष्ठे कृतो मे यद् धर्मयारा अतो हि मां वृषभं प्राहुराज्यः। अब मैं किसी से बोलूंगा नहीं, आसक्ति हो जाएगी। गुरु लोगों ने पढ़ाया पढ़ाया लेकिन ये कुछ बोलता नहीं, उन्होंने कहा ये मूर्ख है, ये जड़ है, इसे वापस ले जाओ। इसने कुछ बोला नहीं, गुरु लोगों ने वापस भेज दिया। कुछ दिनों बाद माँ जी भी संसार से चल बसे। भाई भाभी ने देखा ये मोटा तकड़ा हो रहा है, खा करके ना स्कूल जाता ना कुछ करता। उन्होंने कहा भैया अब एक काम करना पड़ेगा तुम्हें, यदि तुम्हें रोटी चाहिए तो तुम हमारी खेती की रक्षा करोगे, जहां फसल होगी वहां कोई जीव जंतु ना आ सके, उस खेती की तुम रक्षा करो। इसको जैसे धान अन्न होता है, अनाज होता है, उन फसलों में खड़ा कर देते हैं, कोई पक्षी ना आए, कोई वानर ना आए, लेकिन ये तो अब सबसे सबको एक समान मानते हैं, अब किसी को अपना नहीं मानते। जैसे नाज पका, धान पका, ये पक्षियों को बुलाने लगे, हे पक्षियों जल्दी आओ, तुम अपना पेट भरो, क्योंकि संसार के लोग हैं, ये तुम्हें नहीं देंगे, ये काट करके ले जाएंगे, तुम आ जाओ अपना पेट भर कर ले जाओ। ये चिड़िया राम की बड़े ही काम की, चुन चुन दाना खाती है और खाती है और जाती है। जल्दी आओ खाओ और जाओ, सारी पक्षियां खुश होकर के आती। भरत जी जड़ भरत जी बैठे हैं और सारी चारों तरफ पक्षियां फसल पर बैठी खा रहे हैं, आनंद ढंग से अपने अपने स्थान पर उड़ रही है। फसल काटने का समय हुआ, गए भाई भाई लोग, देखा कि फसल तो सारी खत्म हो गई। अरे क्या हो गया जड़ भरत जी, तुम्हें रक्षा के लिए रखा था लेकिन बोलते नहीं। बहुत समय हो गया, उन्होंने देख लिया ये काम का नहीं, उसको घर से निकाल दे धक्का। और ध्यान रखना संसार में यदि तुम काम नहीं करोगे तो कोई भी अपना नहीं होगा, ध्यान रखना। माँ बाप भी उसको अच्छा मानते जो बच्चा कामयाब होता है, जिसकी योग्यता है। और ध्यान रखना जब तुम्हारे भीतर योग्यता आएगी, कामयाबी आएगी, तो सब तुम्हें अपना मान लेते हैं, लेकिन जब कामयाबी नहीं होती है तो सब लोग उसका शोषण करते हैं, सब लोग उसे दूर करते हैं।
मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायूं राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो लागो मेरो पीरी में, जो सुख नाही राम भजन में, जो सुख नाही राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, ओ सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मन लागो मेरो यार फकीरी, ओ मन लागो लागो मेरो यार फकीरी में। भगवान को प्रणाम। गरीबी में इतना आनंद है, अमीरी में तो सब अपने हो जाते हैं, लेकिन गरीबी में जो साथ दे वो परमात्मा, वही अपना है, क्योंकि स्वार्थ के लिए तो कई खड़े हो जाते हैं, और देख लेना आप लोग जो आनंद गरीबी में है वो कहीं और है। इसलिए मन लागो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में, भला बुरा सबका सुन ली जो, भला बुरा सबका नसीरो, भला बुरा सबका सुन ली जो, भला बुरा सबका सुन ली जो, कर गुजरन गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी 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 में, मन लागो मन लागो मन लागो मेरो यार यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में।
मन लागो मेरो यार फकीरी में, 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 हो मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन 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 में, सो सुख नाहि तमीरे में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार कीरे, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरे में, मन लागो मेरो यार फकीरे में, मन लागो मेरो यार फकीरे में, जो आनंद जो जीने का, जो आनंद है वो गरीब, क्योंकि जिसका कष्ट, जिसके जीवन में पीड़ा नहीं हुई है वो पीड़ा क्या जाने, जिसके जीवन में दर्द नहीं हुआ है वो क्या जाने, जिसकी माँ है और जिसकी नहीं है उसको पता है कि माँ क्या होती, जिसका ऊपर अंत है उसे आकाश कहते हैं, जिसका कोई अंत नहीं उसे मां कहते हैं, जब जीवन में अभाव आता है तब उसका आनंद आता है, तब व्यक्ति जानता है कि गरीबी क्या है अमीरी क्या है, चढ़ भरत जी को घर से निकाल दिया, लेकिन ये तो परेशान नहीं है, क्योंकि जिसके जीवन में भगवान का अवतरण हो गया, जिसके जीवन में भगवान का नाम आ गया वो फिर परेशान नहीं होता, जड़ भरत जी वन वनों में फिरते हैं। एक राजा है रघुगण नाम का, उसको ज्ञान सीखना है, उसको ज्ञान चाहिए, अपने कुछ कहार और पालकी ढोने वालों को तैयार किया, मुझे कपिल मुनि के आश्रम में जाना है, मुझे ज्ञान सीखना है, लेकिन तीन कहार ढोने वाले तैयार हुए, कहा कि एक कम हो रहा है कहीं ढूंढ करके लाओ, उसके जो दूत हैं इधर उधर जाते हैं, और कहीं वन में देखा जड़ भरत जी को, जड़ भरत जी को उन्होंने पकड़ लिया, कहा कि आपको हम पालकी ढोने के लिए ले जाना चाहते हैं, आप कौन हैं, लेकिन जड़ भरत जी तो बोलते हैं नहीं, अरे भैया पालकी ढोनी है राजा की, कुछ चाहिए कुछ बोलना तो नहीं है आपको, लेकिन जड़ भरत जी तो चल पड़े कुछ बोले नहीं, और वहां राजा की पालकी पर लग गए, राजा पालकी पर बैठा, चारों का हर पालकी ढोने लगे, धीरे धीरे आगे बढ़े, मार्ग ऊपर नीचे, रास्ता ऊपर नीचे, जैसे कहीं खड्डे पर पांव गया तो राजा का सिर पालकी पर लगा, जैसे सिर पर राजा का सिर पालकी पर लगा उसको क्रोध आया, उतर के नीचे आया, कहा हे कहारों, हे पालकी ढोने वालों, तुम्हें पता नहीं मैं राजा हूं, तुम्हें चलना नहीं आता, मेरा सिर पालकी पर लग गया है। तीनों ने कहा भैया राजा जी स्वामी जी
हम नहीं कर रहे हैं ऐसा, ये जो नया है इसको चलना नहीं आता, ये बिल्कुल कहीं चींटियां देख रहा है तो उछल करके जा रहा है। राजा तुरंत नीचे उतरा, मैं तुझे मार दूंगा, मैं राजा हूं तुझे दंड दूंगा। जड़ भरत जी चुप रहे, कुछ बोले। दोबारा उसने कहा मैं मारूंगा, तुम ठीक चलो। अब जड़ भरत जी ने आज पहली बार बोला है, राजा जिसको तू मारने की बात करता है वो मैं नहीं हूं, तू इस शरीर को मारेगा, मैं तो आत्मा हूं राजा। ये शरीर तो जन्मता है और मरता रहता है, तू ज्ञान की बात करता है लेकिन ये तो मूढ़ों वाली बात है। त्वयोदितं व्यक्तमभि प्रलब्धम् भरतो शमी स्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्याद्यगम्यमध्वा पीवेति रासो न विदां प्रवानः। राजा तू तो कहते हैं कि मैं ज्ञानी ज्ञान सीखने के लिए जा रहा हूं, लेकिन राजा ये ज्ञान की बात नहीं है। जो लोग इस शरीर को अपना मानते हैं वो मूर्ख हैं। राजा मैं आत्मा हूं, मैं इसको अपना नहीं मानता, और आत्मा को कोई मार नहीं सकता, वो अजर है अमर है। आप सब जानते हैं, गीता सुनी होगी कि जैसे हम पुराने वस्त्र को हटा देते हैं नए वस्त्र पहनते हैं, वैसे आत्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर में चली जाती है। जब राजा को जड़ भरत जी ने ऐसे बोला वो समझ गया ये कोई ज्ञानी है, ये कोई सामान्य नहीं है, उनके चरणों में गिर पड़ा, आप कौन है? देखा उनके शरीर पर जनेऊ भी पड़ा है, समझ गए कोई ब्राह्मण बालक है। कौन हो आप? कस्तम निगूढ़ चर सिद्विजानां विवर्षि सूत्रं कतमो वधूतः कस्यासि कुत्रत्ययापि कस्मा क्षेमाय नस्येदसि नोत शुक्लः। आप कौन हैं? आप ब्राह्मण हैं? आप कोई तपस्वी हैं? जड़ भरत जी ने कहा मैं तपस्वी भी नहीं, राजा भी नहीं, ब्राह्मण बालक हूं। जैसे ज्ञान दिया कि तू जिसको समझ रहे मारने की तो बात कर रही है, शरीर है कि तू मरता रहता है जन्मता रहता है, इसलिए राजा यदि तुझे ज्ञान चाहिए तो आत्मा को अपना मान, भगवान को वज, उससे ही तेरा उद्धार हो जाए। ये राजा जड़ भरत जी के चरणों में गिर पड़ता है, इसका उद्धार हो जाता है, इसका कल्याण हो जाता है। अंत में यहां जो जड़ भरत जी हैं भगवान के भजन में तल्लीन होते हैं, भगवान को पाते हैं, भगवान को भजते हैं, इसका उद्धार हो जाता है। बोलो जड़ भरत जी महाराज की जय, भद्र विशाल भगवान की जय। यहाँ जड़ भरत जी का बड़ा सुंदर प्रसंग है, समय बहुत कम है, यहाँ अगर 5-6 घंटे कथा हो बहुत आनंद आता है। सुनने वाले तो अच्छे हैं, मैं हल्ला तो नहीं कर रहा, कोई थोड़ा बहुत चल रहे हो चलता है, लेकिन ज्यादा नहीं। 5-6 घंटे कथा हो और प्रेम भाव से जैसे आप लोग सुनने वाले हैं ऐसी कथा चले, तो उसका जो मूल मूल निचोड़ है वो सब आपको मिल सकता है। आगे यहाँ जो हमारे सूर्य चंद्रमा आदि हैं उनकी दूरी बताई है, यहाँ तो खगोल भगोल सब वनस्पतियों के बारे में बताया है, कैसे कैसे वनस्पतियों सब कुछ, कैसे कैसे यहाँ जो लोक हैं, कैसे कैसे किस लोक में कौन रहता है, सारा वर्णन है 14 लोगों का। यहां नरकों का भी वर्णन है, जानते हैं आप लोग नरक? जानते हैं? सुना होगा, जानते तो नहीं। यहां स्वर्ग का भी वर्णन है, यहां लिखा है कि नरकों से जो लोग आए हुए रहते हैं उनकी पहचान क्या है, जो स्वर्ग से आए हैं उनकी पहचान क्या है, बता दो आप लोगों। हाँ बोल रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगा, देख लेना कहीं हमारी गिनती गड़बड़ ना हो। नरकों की पहचान बताओ,
पहले हम स्वर्ग की भी पहचान बनाते हैं, नरक तो छोड़ो। स्वर्ग से जो लोग आए हुए हैं वो कैसे होते हैं? दानम प्रशस्तम मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च। जो लोग स्वर्ग से आए हुए हैं उनकी पहचान क्या है? वो दान देने में कुशल होते हैं, उनकी वाणी मीठी होती है, वो कभी किसी को गलत नहीं बोलते। ध्यान रखना कभी किसी को कड़वा ना बोल, ऐसा बोलना चाहिए जिससे सब खुश हो। प्रिया वाक्य प्रधान है ना सर्वे तुष्यन्ति जनतवा। अच्छी वाणी बोलना चाहिए, कम बोलो लेकिन अच्छा बोलो। जो हमारे छोटे भैया रावत जी आप देख रहे हैं ये वीडियो, आप 31 तारीख के बाद लाइव देखेंगे अपने सब, आप इसको देखना चाहेंगे। एक हमने भजन भी डाला यहाँ का पहाड़ों का जो परसों गाया था, या तो यूट्यूब में केदार टीवी या मेरे नाम से सुशील सर्च करेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा। कलश यात्रा की भी डाली है शायद, धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं, नेट की समस्या है। तो आपका जो व्यवहार है अभी तो छोटा, बहुत छोटे हैं 20-21 वर्ष के, लेकिन सबको अपने व्यवहार से अपने वाणी से प्रसन्न रखते हैं, कम बोलते हैं लेकिन अच्छा बोलते हैं। कथा से सत्संग से ये सीखना, कम बोलना, बहुत कम बोलना, तोल करके किसी को कष्ट न हो। आप किसी को तलवार से या किसी पत्थर लकड़ी से मारते हैं, कुछ दिनों बाद वो ठीक हो जाता है घाव, लेकिन वाणी कड़वा बोलोगे जब तक जीवन रहेगा तब तक वो चुभती रहेगी, तब तक वो वाणी आपको कष्ट देती रहेगी। इसलिए प्रिय बोलना, अच्छा बोलना। तो जो स्वर्ग से आए हुए लोग बहुत मीठा बोलते, अच्छा बोलते। दानम प्रशस्तम मधुरा च वाणी। तीसरी पहचान है उन लोगों की, वो देवताओं को बहुत मानते हैं, वो देवताओं की पूजा करते हैं, वो ब्राह्मणों को अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, अतिथियों का आदर करते हैं, अपने पितरों की याद में तर्पण देते हैं, ऐसे जैसे दिव्य भागवत जैसे यजन करते हैं, यज्ञ करते हैं। ये स्वर्ग की पहचान है, ये स्वर्ग के लोगों की पहचान। और नरक के लोगों की पहचान क्या है बता दूं? देख लेना फिर, वैसे तो यहाँ होंगे नहीं कोई, शायद यहाँ तो होगा नहीं क्योंकि नरक वाला कथा में आ ही नहीं सकता, क्यों? उसके पाप इतने होते हैं वो सत्कर्म में नहीं सम्मिलित हो सकते। जो नरक से आए हुए लोग हैं उनका समझना ये पहचान है एकदम उल्टी, वो दान नहीं देते, वो कड़वा बोलते हैं, कटुका चबाने, स्वजनी सुनिंदा, अपने लोगों की चुगली, ये चाचा ऐसा, ये ताऊ ऐसे, गांव बेकार है जी हमारा, अरे भैया तुम ठीक हो जाओ गांव ठीक हो जाएगा। जो गलत लोगों की स्तुति करते हैं, ओ वो फलाना व्यक्ति ऐसा है, गलत व्यक्तियों के जो यश गाता है ये नरक के लोग। यहाँ अलग अलग नरक 28 नरकों का वर्णन बताया है, कौन कहां जाता है। आगे एक ब्राह्मण देवता की कथा है जिनका नाम है अजामिल। अजा कहते हैं माया के लिए, संस्कृत में अजा बकरी के लिए भी बोलते हैं, और मिल मन मिला हुआ। ये ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भगवान को भजन छोड़ करके ये समिधा लेने के लिए गया जंगल में लकड़ी लेने के लिए, और इसने एक वैश्या देखी और उस पर इसका मन लगा, उसे इसने ब्याह कर दिया। इसने अब जब वैश्या के संग ब्याह किया तो गलत कामों में लग गया, घर में एक संतान नहीं 10 संतान हो गए, अपने आप 80 से ऊपर उम्र हो गई, लेकिन भगवान का भजन तो भूल गए। अब ये पाप कर्म में लग गया, लेकिन 80 से ऊपर हो गए तो धीरे धीरे मृत्यु की ओर जाने लगा, बुढ़ापा आ गया, शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया और अब ये बीमार हो गया, मृत्यु से या पड़ा। जब भी
इसको कष्ट होता है, पीड़ा होती है, तो अपने बच्चों को आवाज लगाता, पत्नी को आवाज लगाता। लेकिन जो इसने धर्मपत्नी बनाई वो वैश्या है, और ध्यान रखना वैश्या कौन है, जो धन से प्रेम करती, ध्यान रखना। ऐसी धर्मपत्नियां बनना जो अपने स्वामी के गुणों की पूजा करे, जो धन से अकाली काल में तो पैसे से प्रेम करते। पर धन पर मन हरण को वैश्या परम प्रवीण। धन से ज्यादा प्यार नहीं करना, ठीक है आवश्यकता है, लेकिन पति के गुणों की पूजा करना। लेकिन कलयुग में तो हमने सब कुछ छोड़ दिया, बच्चों को पढ़ाई भी कराते हैं तो किस चीज की, क्या पढ़ाते हैं आप लोग आजकल, MA करे, MBA करे, BBA करे, MED करे, PhD करे, किस लिए, पैसा कमाए खाए बस। समाज धर्म का कोई मतलब नहीं, आजकल की जो पढ़ाई है केवल कमाने की, सब यही सिखाते हैं। कैसा कमाना है, दुगना कब करोगे, चौगना कब करोगे, लेकिन इससे उद्धार नहीं। आज लोगों का बस ये जप है, कोई पाठ भी कराते हैं कि पैसे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन आपने सुना तीन चीजें पिछले जन्म के हिसाब से मिलती है, आपने पहले भी सुना, विद्या, पैसा और पत्नी। कुछ भी कर लो, लेकिन आजकल तो जप भी करें तो उसी का, पाठ भी करें उसी का। आज के समाज का बस यही एक जाप है, हाई पैसा पैसा माई बाप है, भाई यही जप है, है? देख लो ऐसा मत कर। ठीक है पैसा भी चाहिए, लेकिन अपनी जगह पर पैसा धन भी चाहिए, लेकिन भगवान का भजन भी चाहिए। अगर भजन होगा तो पैसा आपको अच्छी योग्यता देगा, वो सदुपयोग करेगी, और अगर विद्या नहीं होगी, भजन नहीं होगा, तो वो रोग देगा, याद रखना। कल आपने सुना था ना लक्ष्मी, वो फिर उसके पास तीसरी लक्ष्मी आती है, कल सुना था आपने, तीन लक्ष्मी जो हमारी माँ भगवती। नवरात्र भी चल रहे, क्या करें, भागवत की कथा इतनी है कि देवी पुराण में जा ही नहीं पा रहे। मेरी तो इच्छा थी कि मैं देवी की कथा भी करूं, लेकिन अब भागवत तो मुख्य है। जो हमारी तीन देवियां हैं मुखियां, वो कौन कौन सी है बोलो एक बार जोर से, काली माँ सरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। नवरात्र कितने होते हैं हमारे, 9। ये जो तीन देवियां हैं, इनमें से तीन तीन देवियां प्रकट होती हैं। देवी भागवत क्या है, आप लोग मंत्र बोलते हैं, करते हैं देवी का पाठ, करते हैं। जब हम मंत्र में बोलते हैं, ध्यान से समझना, क्या बोलते हैं, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः। नमस्तस्ये का मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है, प्रणाम। स्त्रियों को यदि प्रणाम करना हो तो नमस्तस्ये, और पुरुषों को नमस्तस्मै। जब हम पितरों को तर्पण देते हैं स्त्रियों के लिए, तस्ये स्वधा, और जो पुरुष हैं तस्मै स्वधा। तो एक देवी को हम तीन बार प्रणाम कर रहे हैं, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इसका मतलब क्या है कि हे माँ सरस्वती, तुम्हारे भीतर जो रजोगुण है, रजोगुण में कौन आती है, लक्ष्मी मैया, सतोगुण जो सरस्वती मैया है, और तमोगुणी जो भगवती काली है, तुम्हारे भीतर जो तीन भगवती तीन गुण है, उनको मैं प्रणाम करती हूं। प्रत्येक के भीतर तीन तीन, तो फिर कितनी हो गई, 9 हो। और यहां तो आपकी ग्राम की देवी भी भगवती है, क्या है मैया का नाम, क्या बोलते हैं आप यहां, देवी माता बोलते हैं, कुछ नाम तो नहीं अलग से। आपने कभी देवी की कथा भी सुनी आप लोगों, देवी भागवत सुनाए कभी, नहीं सुना,
कभी जरूर गांव में देवी भागवत कराना, उससे आपको जानकारी मिलेगी नवरात्रि क्या है, नवरात्रों में कन्या पूजन कैसा करना चाहिए, किस कन्या का पूजन करना चाहिए, कितने साल से कितने साल की बेटी का पूजन करना चाहिए। ठीक है, करते हैं आप लोग कन्या पूजन? कितने साल से शुरू करते हैं कन्या पूजन? थोड़ा थोड़ा तो ठीक बोल रहे हैं आप, 2 साल से और 10 साल तक। कितने होगी, 2 से 10 तक गिनेंगे कितनी हो जाएगी, 9 होगी। 1 साल वाली की बेटी का पूजन क्यों नहीं करेंगे? उसको स्वाद का पता नहीं होता है, उसको भान नहीं कि मैं क्या खा रही हूं, इसलिए उसका पूजन क्या करना। किस बेटी का पूजन नहीं करना, यहां तो सब लिखा है देवी भागवत, तो वो देवी भागवत में सुनाएंगे। ठीक है, कभी यहां देवी भागवत करेंगे तो तब सारी देवी की कथाएं जो मान्य चंड मुंड शुंभ निशुंभ महिषासुर, तब तो विस्तृत कथा कि नैना क्यों नाम नैना पड़ा, पूरी कथा, ज्वाला जी क्यों, चिंतपूर्णी, वज्रेश्वरी, भद्रकाली, भीमा काली, जो जो भगवती कैसे कैसे प्रकट हुई है, इनकी कथाएं देवी भागवत विस्तृत है। तो ये कथाएं हम कहां सुनेंगे, देवी भागवत। सुनने के लिए तैयार हैं आप? देवी भागवत तैयार हैं? हाँ ना, नहीं बोल रहे कुछ, तो कब करें देवी भागवत गांव में? फिर बोले दुर्गे मैया के जय। कभी ऐसा विचार बनाना सारे गांव वाले और देवी मैया की कथा कराना, 9 दिन की होती है और बहुत आनंद आएगा। एक एक चीज आपको पता लग जाए, व्रत का विधान क्या है, प्रत्येक चीज का कि क्या क्या कैसे कैसे देवी के संबंध जितने भी कथाएं सुनेंगे। यहां ये अजामिल की संतान हुई, भगवान का भजन भूल गए, अब ये जब धर्म से परे हो गया, भगवान के भजन से परे हो गया, तो ये दुष्ट लोगों की संगति करता है और दुष्ट लोगों को ही पसंद करता है। कुछ महात्मा इनके गांव में आए और गांव वालों को पूछा कि हमें भजन करना है कुछ देर तक और हम थोड़ा रुकना चाहते हैं, ऐसा गांव में कोई घर बताओ जहां हम रुक जाएं और भगवान का भजन करें। गांव वाले कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, उन्होंने महात्मा को कहां भेज दिया, महात्मा लोगों को अजामिल के घर। अजामिल आज घर पर नहीं, कहीं गया है चोरी चकोरी करने, घर पर उनकी धर्म पत्नी है और महात्माओं ने कहा कि हमें गांव के कुछ लोग मिले हैं और उन्होंने आपका घर का पता दिया है, हम यहां पहुंचे। वो तो धार्मिक है, वैसे है लेकिन सात्विक है। कहा आप बैठ जाइए, क्या करना है आपने? कहा हमें कुछ देर भजन करना है, और उन्होंने भजन किया, जाने लगे। वो जो वैश्या थी अजामिल की धर्मपत्नी चरणों में गिर पड़ी, महात्माओं मैं क्षमा चाहती हूं, आप जल्दी घर तुरंत वापस चले जाओ, मेरे स्वामी आएंगे, वो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, आपसे बैर करेंगे, आपसे द्वेष करेंगे, आप तुरंत जाओ, लेकिन मैं निवेदन करती हूँ, क्षमा चाहती हूँ, मेरे से कोई दक्षिणा नहीं हो पाई, मेरे से कोई सेवा नहीं हो पाई, मुझे क्षमा कीजिए। महात्मा लोग जाने लगे, कहा हे देवी आपकी दक्षिणा यही है, आपने निवेदन कर दिया, प्रणाम कर दिया है, वो यही हमारी दक्षिणा, लेकिन बेटा ये काम करना, हमारी दक्षिणा तब होगी जो तेरी संतान होगी, अब उसका नाम तो हमारे कहने पर रखना बेटा, क्या उसका नाम रखना, नारायण। महात्मा लोग निकल पड़े, अजामिल घर पर आया और जो गर्भ में संतान पल रही थी उनकी 10वीं संतान वो इस संसार में आई और आज बड़ी हो गई, ये बीमार पड़ा हुआ है और अब ये तो किसी को भजता नहीं है, अपने बेटे को आवाज लगा। ध्यान रखना, अपने गांव में देखा होगा जब बीमार होते हैं लोग, बुजुर्ग लोग, और जिन्होंने भजन नहीं किया, देख लेना जो बुजुर्ग आपके सामने होंगे, कुछ कभी किसी ने देखा होगा मरते हुए किसी को, तो जिसने कभी भजन नहीं किया वो चिल्लाता है बेटा मुझे बचा ले, वो देखता है कि बेटा इनको पकड़ो, इनको दूर भेजो, वो जो यम के दूत उनको देखता है, देखा होगा आपने कभी मरते हुए चिल्लाते हैं, बेटा मुझे डर लग रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है, वो सब चिल्लाते हैं। और जिसको यम के दूत दिखते हैं वो जीव मलमूत्र कर देता है शरीर डर के मारे। ये मृत्युशैया पर पड़ा है लेकिन किसी की कभी इसने भजन नहीं किया, कभी कुछ माना नहीं, लेकिन अब इसको पीड़ा होने लगी, अपने बेटे को आवाज लगाने लगे, बेटा नारायण नारायण, लेकिन संसार का पुत्र है ये नहीं समझता,
क्योंकि संसार का पुत्र जब तक स्वार्थ होगा तब तक ही सुनेगा, अन्यथा नहीं सुनेगा। लेकिन जब इसने बार बार नारायण कहा तो जो वो परब्रह्म नारायण है उसने सुन लिया। यहां यम के दूत इसे लेने के लिए तैयार हैं कि हमें इसे यमलोक में ले जाएंगे, लेकिन इसने मरते समय नारायण नारायण कहा, नारायण के दूत इसके पास पधारे, यम के दूत भी पधारे, आपस में विवाद होने लगा। यम के दूतों ने कहा हम इसे यमलोक ले जाएंगे, इसने पाप किए हैं। भगवान के दूतों ने कहा इसने नारायण कहा है, इसको हम विष्णु लोक में ले जाएंगे। क्या करें, भगवान विष्णु को याद करते हैं। भगवान विष्णु ने कहा एक बार भी जो मेरा नाम ले उसको तुम मेरे लोक को ला, क्योंकि जो हम खेतों में बीज बोते हैं बीजते हैं वो उल्टा पड़े सुल्टा पड़े, वो उगता ऊपर की तरफ। राम का नाम भाव से कुभाव से भजो, वो हमारे जीवन के पापों को दूर करते हैं, जला देते हैं। यम के दूतों को झगड़ा हुआ, अंत में भगवान के विष्णु के दूतों ने उसे अजामिल को भगवान के धाम को ले गई। जय जयकार होने लगी, देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। कहा हे देवताओं हे मानवों, अंत समय में भी जो भगवान का नाम ले लेता है उसका उद्धार हो जाता है। अजामिल जैसे पापी भगवान ने हार दी। बोलो नारायण भगवान की जय, भद्र विशाल भगवान की जय। फिर आगे दक्ष की दूसरे जन्म की कथा है। एक जन्म की आपने कल सुनी थी जिसमें उनकी कितनी बेटियां हुई थी, कल सुना था ना आपने, जिसमें सबसे बड़ी बेटी सती थी, कितनी हुई थी बोलो जी, 17। पहले जन्म में तो 16 हुई थी, याद रखना गड़बड़ मत करो, और दूसरे जन्म में हुई थी 60। 60 कन्याओं का उन्होंने ब्याह किया, उनका वर्णन है 27 बेटियां चंद्रमा को दी, 13 कश्यप जी को दी, 10 धर्म को दी, 2 कृष्णवासु को, 2 अंगिरा को। इस टाइप से इन बेटियों का 60 बेटियों का ब्याह किया। जोड़ लेना घर जाके कुछ रहेगी तो। आगे जाकर के फिर भगवान बृहस्पति की कथा आती। इंद्र जो देवताओं के राजा हैं उनके द्वारा एक बार भगवान बृहस्पति का अपमान हुआ, भगवान बृहस्पति नाराज हुए। इन्होंने गुरु को बहुत मनाए लेकिन गुरु ने कहा कि तुमने मेरा अपमान किया है, ये ठीक नहीं। बृहस्पति भगवान नाराज होकर के अपने लोक को चले, लेकिन इन्होंने कहा कि मुझे तो यज्ञ करना है, गुरु नहीं होंगे तो कैसे यज्ञ संपन्न होगा। तो यहाँ ऋषियों को पूछा, ऋषियों ने कहा एक त्वष्टा नाम के ऋषि हैं, उनके पुत्र हैं विश्वरूप, उनके बालक का तुम पुरोहित बनाओ, गुरु बनाओ, उनसे यज्ञ कराओ। ये जो विश्वरूप हैं इसके 3 मुख थे, एक मुख से अन्न खाता था, एक मुख से सुरापान और एक मुख से अमृत का पान। इसको जब पुरोहित बनाए यज्ञ प्रारंभ किया, इसकी मां राक्षस कुल से थी, ये आहुति जब देता था देवताओं के लिए तो एक मुख से अपनी मां की तरफ से बोलता था, राक्षस कुल के लिए। जब हम तर्पण देते हैं ना, आपने सुना होगा तर्पण तो किस किस के लिए देते हैं, पिता पक्ष के लिए, मातृ पक्ष के लिए, नाना और मामा पक्ष के लिए भी देते हैं। यहां ये उनका भी स्मरण करने लगा। इंद्र भगवान ने ध्यान लगाया, ये आहुति डाल रहे यज्ञ, नारायण प्रसन्न हो रहे हैं लेकिन ये राक्षस बलि हो रहे हैं, ताकतवर हो रहे हैं। इंद्र ने ध्यान लगाया तो ये एक मुख से राक्षसों को आहुति दे रहे। इंद्र को क्रोध आया, अपना वज्र लिया, इस पर मारा, ये बालक जो विश्वरूप पुरोहित था समाप्त हो, ये ब्राह्मण बालक है विश्वरूप। इंद्र पर ब्रह्म हत्या लगी, इंद्र तो भाग, उनके पिता को पता लगा विश्वरूप को कि इन्होंने अकारण मेरे पुत्र को मार दिया, कोई द्वेष नहीं था, कुछ उसने अपराध नहीं किया था, क्यों इसने मारा। और वो यज्ञ करते हैं और यज्ञ के द्वारा एक राक्षस को प्रकट करते हैं जिसका नाम क्या है, वृत्तासुर। वो इतना बलि है, इंद्र को खाने लगा, चारों तरफ हाहाकार मचने लगी,
देवता परेशान होने लगे, सारे भगवान की शरण में जाते हैं। प्रभु एक राक्षस प्रकट हुआ जिसका नाम बृतासुर है, इसका वध कैसे होगा। कहा कि तुम आराधना करो भगवान शंकर की, भगवान विष्णु की आराधना करो। सब देवताओं को कहा तुम भगवान की स्तुति करो। लेकिन यहां इंद्र ने जब उस बालक को मारा तो इंद्र पर ब्रह्म हत्या लग गया। ब्रह्म हत्या लगी, कहा कि हे इंद्र इसका प्रभाव एक साल तक रहेगा, तुम कहीं छुप जाओ नहीं तुम अपने पद से हट जाओ, समाप्त हो। इंद्र चुपचाप कैलाश सरोवर की तरफ जाते हैं, कमल के नाल पर छुप जाते हैं। यहां जो इंद्र आसन खाली हो गया, कहा कि किसी को इंद्र बनाओ, कोई राजा नहीं होगा तो राज्य कैसे चलेगा। तो एक राजा है, एक ऋषि है जिनका नाम है नौस, वो बहुत तपस्वी, उनको कहा कि तुम इंद्र बनो और वो इंद्र बनने के तैयार हो गए। और जो भगवान इंद्र थे वो ब्रह्म हत्या के कारण छुप गए। नौस राजा बने, इंद्र बने। यहां भगवान ने नारद जी को भेजा, कहा कि जो ये नौस है ये एक साल तक रहेगा इंद्र, एक साल बाद भगवान इंद्र ही इंद्र बन जाएंगे। और इनको कहा एक साल होने वाला है, ब्रह्म हत्या समाप्त होने वाली है, इस नवस को पतित करना है, गिराना है ये आसन से, तो इनके पास तुम जाओ, इनकी बुद्धि को भ्रमित कर दो। नारद जी के, नारद जी ने कहा नवस आप इंद्र बने हैं बहुत अच्छी बात, लेकिन आप पूरे इंद्र नहीं हैं। कहा पूरे इंद्र कैसे होते, अरे जब तुम्हारे साथ तुम्हारी सची नहीं है, धर्मपत्नी नहीं है इंद्राणी, तो तुम पूरे इंद्र नहीं है। उसने कहा क्या करना पड़ेगा, कहा कि जो इंद्र की पत्नी है सची उससे विवाह करो और तब तुम पूर्ण इंद्र बन जाओगे, पूर्ण बन जाओगे, इंद्र कभी तुम्हारा आसन छीन नहीं पाए। इसने कहा कैसे करूं क्या करूं, इसने चिट्ठी भेजी इंद्र की पत्नी को सची को, कहा कि तुम मेरे साथ विवाह करो। इंद्राणी ने कहा मैंने हमेशा पतिव्रता धर्म का पालन किया और मैं पतित्व समाप्त थोड़ी करूं। बहुत परेशान होने लगी, व्यथित होने लगी, भगवान का चिंतन करती, प्रभु मैं क्या करूं, मैं अपना धर्म कैसे बचाऊं। आकाशवाणी हुई सची तुम क्या करो, तुम इससे ब्याह की हां भर लो लेकिन शर्त रखना। क्या, कहा कि तुमसे मैं ब्याह करूंगी लेकिन तुम पालकी पर आओगे और पालकी को ढोने वाले कौन होंगे, ऋषि होंगे। ये तो तुरंत तैयार हो गया विवाह के लिए, पालकी पर बैठा ऋषि लोग पालकी ढो रहे हैं और जैसे जैसे बटने लगा आगे, इसने पालकी ढोने वालों को कहा जल्दी जल्दी चलो, कामा तुराणाम भयम न लज्जा, काम तो व्यक्ति अंधा बना देता है, काम एक इसे कुछ नहीं दिखता, इसने कहा जल्दी चलो। और इसने संस्कृत में कहा जल्दी जल्दी के लिए सर्प सर्प त्वरित त्वरित जल्दी जा। ऋषि लोग अपने हिसाब से चल रहे थे, इसको गुस्सा आया, इसने ऋषि अगस्त्य के सिर पर लात मार दी और ऋषि को क्रोध आ गया। ऋषि ने कहा तू सर्प सर्प बोल रहा है तो हे राजा जा, तो सर्प बन जा, तू पतित हो जा तो सर्प बने। ये अपने आसन से गिर गया, इंद्र आसन से पतित हो गया, सची की जो पतित व्रता धर्म था वो बच गया। ब्रह्मा को एक साल हो, इंद्र को एक साल हो गया, ब्रह्म हत्या समाप्त होने वाली, हे इंद्र इस ब्रह्म हत्या को तो समाप्त कर, इसके लिए कोई उपाय। तो भगवान इंद्र ने ब्रह्म हत्या के चार टुकड़े किए, वो कहां कहां रखी ब्रह्म हत्या ध्यान रखना, एक दी जमीन को, जमीन कौन सी, जो बंजर भूमि होती जहां कभी कुछ उगता नहीं, दूसरा दिया पानी को जो उसमें फेन होता है जाग होता, ब्रह्म हत्या का भाग होता है, इसीलिए पुराने लोग जब पानी लेते थे ना पीने के लिए थोड़ा सा गिराते थे। और तीसरा भाग दिया पेड़ों को जो उसमें गोंद होता है, और चौथा भाग दिया हमारे माताओं का हो जो उनका मासिक धर्म होता है, बताते हैं ब्रह्म हत्या का भाग है, इसलिए उसमें उसको अपवित्र मानते हैं। यहां इंद्र की ब्रह्म हत्या समाप्त हुई और पुनः इंद्र आसन पर विराजमान हो। बोलो नारायण भगवान की जय, भद्र विशाल भगवान की जय। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को मर्द गणों की कथा सुनाते हैं। आपने सुना होगा क्षेत्रपाल भगवान, सुना जो जमीन की रक्षा करते देवता, उनको क्या कहते हैं क्षेत्रपाल, ये भूमि के देवता।
यहां देवता लोग तो बहुत पुष्ट हो गए, स्वस्थ हो गए। ये जो वृतासुर है, राक्षस जो विश्वरूप के यज्ञ के द्वारा प्रकट हुआ, त्वष्टा के द्वारा प्रकट हुआ, ये देवताओं को खाने लगा और यहां इंद्र सब अपने आसन पर बैठ गए। इसका कैसे वध करें, इसको मारना चाहते हैं, राक्षस को कैसे मारें। भगवान इंद्र ने इसे युद्ध किया, नहीं इसको मार सके। ब्रह्मा विष्णु ने भी इस वृतासुर से युद्ध किया, नहीं हरा पाए। कहा कि ये भगवान शंकर का भक्त है, ये भगवान शिव को भजता है। भगवान शिव की जब कृपा होगी, शिव को तुम भजो और शिव की कृपा से इसका वध होगा। भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर ने कहा, एक ददीची ऋषि है, उनसे तुम अस्थि मांगो, हड्डी मांगो और उसका बाण बनाओ, और जब उस पर इसका प्रहार होगा वज्र से, तब ये वृतासुर समाप्त होगा। और ऐसा भगवान इंद्र करते हैं, अस्थि मांगते हैं दिदीची ऋषि से और उस अस्थि से बाण बना करके इस वृतासुर का उद्धार कर देते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। आगे राक्षसों की माँ बड़ी परेशान होती है। मंगसीर के महीने में भगवान अपने कश्यप की आराधना करते, अपने पतिदेव की, कि स्वामी जी मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ, ऐसी कोई कथा पाठ पढ़ाओ जिससे मेरी संतान हो, लेकिन इन देवताओं को मारने वाली। कश्यप जी ने कहा, हे देवी, अभी समय नहीं है संतान को जन्म देने का। इसने शाम के समय पति से कामना की कि मुझे संतान दे दो। शास्त्रों में लिखा है, चार काम शाम संध्या बेला में नहीं करना, ध्यान रखना। चार काम क्या क्या नहीं करने चाहिए? चत्वारि माणि कर्माणि संध्या काले विवर्जयेत्, आहारं मैथुनं निद्रा, स्वाध्याय च चतुर्थकम्। शुक्ले मार्ग सिरे पक्षे योषित भर्तुरनुज्ञया, आरभेत व्रतमिदं सर्वकामिकमादिता। सांझ के समय में चार काम नहीं करने, क्या क्या? आहार, आहार जानते हैं हम लोग, खाना। वैसे तो पुराने लोग मना ही करते हैं कि संध्या के बेला पर खाना नहीं चाहिए, उससे क्या होता है, रोग होता है। बच्चों को जन्म नहीं देना, मूर्ख संतान होगी संध्या बेला पर। और तीसरा काम है स्वाध्याय, पढ़ना भी नहीं चाहिए। आजकल के जो बच्चों की समस्या है, अधिकतर क्यों है, आंख कमजोर है, क्योंकि उल्टा करते हैं, रात में पढ़ते हैं ना। आजकल के जो पढ़ने वाले हैं रात को 2 बजे तक पढ़ते हैं, लेकिन तो रात तो रात है, कितनी भी लाइट आप लगा लो, रात्रि तो रात्रि है। आंखों में क्षीणता आ जाएगी, आंख कमजोर हो जाएगी। यदि पढ़ना है आपने, आपने बुद्धिमान होना है, याद रखना, यदि आपने अपनी मेमोरी बढ़ानी है तो सुबह उठना, जो याद करोगे वो याद हो जाएगा, ठीक है। हम लोग तो गंगा जी के तट पर पढ़ते थे ऋषिकेश में, और पेपरों के समय पर भी और समय पर गंगा जी के तट में जाते थे सुबह सुबह, और जो याद किया वो अभी तक याद है। आप भागवत, जो रामायण, शिव कथा, देवी कथा, थोड़ा देखना तो पड़ता है श्लोकों को, लेकिन सब याद हो जाता है। सुबह उठना, सुबह यदि अपनी मेमोरी स्मरण शक्ति बढ़ानी हो तो सुबह उठना। आहारम मैथुनम निद्रा, पहला काम खाना नहीं चाहिए, बच्चों को जन्म, पढ़ना, और चौथा काम क्या है, सोना, संध्या बेला पर सोना नहीं चाहिए। आयु कम हो जाए, आंखें छीण हो जाती है, रोग हो जाता है, इसलिए ऐसा काम नहीं करना। इस देवी ने निवेदन किया कि प्रभु स्वामी जी मुझे संतान चाहिए, और सांझ के समय इसने संतान की कामना की, और कश्यप जी ने आरती प्रदान किया और गर्भ में संतान स्थापित हुआ।
इसको कहा एक साल तक नियम से रहना, ये अच्छी संतान हो जाएगी। तुमने संतान की कामना गलत समय पर की है, लेकिन फिर भी एक साल तक नियम करना, अच्छी संतान हो जाएगी। कहा स्वामी जी क्या क्या करना है ध्यान से समझना, जिन बहनों की संतान होनी ब्याह हो गया है और चाहती कि अच्छी संतान हो तो कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए। एक तो फोन कम देगा, आजकल हम सब लोगों ने क्या कर दिया, अगर बच्चा रोया भी उसको फोन पकड़ा देते, लेकिन कुछ दिनों बाद वो फोन आपको फिर फोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो जिद करेगा देना मांगेगा और दोगे नहीं तो गुस्से में फिर या तो फोन फूटेगा और या तो बच्चा रोटेगा। बच्चे को अच्छा बनाना है तो जब गर्भ में संतान हो तो भगवान की कथा सुनना, भगवान को देखना, भगवान का चरित्र का गुणगान करना, संतान अच्छी हो। आजकल हम देखते हैं क्रिकेट ये सब, और बच्चा जन्म लेता है और बैट मांगने लगता है, लाओ जी बैट। यदि भी एक साल तक नियम से रहना, एक समय भोजन करना, कम खाना, रात्रि में जब सोओगे पैर धोकर के सोना, नंगे सिर नहीं रखना, मुख खुला नहीं रखना, बाईं तरफ सोना, सुबह दाहिनी तरफ उठना, ये नियम है। पहले की माताएं कहां रखती थी, बाल खुले रखती थी, पहले नहीं रखते, वाह यहां तो नहीं रखे किसी, जब बाल खुले रखते हैं तो क्या रूप मानते हैं हम माँ का, एक बार बोल दो क्या बोलते हैं उसको जिसके बाल खुले होते हैं, है जी, काली मैया, काली बोला आपने, बोल दुर्गी मैया की जय, भीमा काले जात रो तिरुआई, उस माँ को मना लेते हैं, ठीक है, भीमा काले जात रो तिरुआई, भीमा काले जात रो तिरुआई, महामाये जात रो तिरुआई, तिरु जात रात आई। अच्छा एक काम करेंगे, आप बोल नहीं रहे, आप साथ साथ मैं बोलूं फिर आप बोलो, ठीक है, और यहीं का भजन है ऊपर हिमाचल शिमला की तरफ गाते हैं, भीमा काले जात रो तिरुआई, महामाये जात रो तिरुआई, काले जाति रो तिरुआई, महामाये जाति रो तिरुआई, भीमा काले जात रो तिरुआई, महामाये जात रो तिरुआई, भीमा काले जाति रो तिरुआई, महामाये जाति रो तिरुआई। चुन फूल माल बनाई, चुन चुन फूल माल बनाई, चुन चुन फूल माल बनाई, माल चढ़ाने आई हो, माल चढ़ाने आई हो, मकल जात रो तिरुआई, महामाई जात रो तिरुआई, मकल जात रो तिरुआई, महामाई जात रो तिरुआई। नाटी गाते हैं हम लोग, नाटी गाते हो नाटी इधर, अच्छा वो शिमला की तरफ, ध्यान जल पानी, चरण धुलाने आई हूँ, चरण धुलाने आई हूँ, चरण धुलाने आई हूँ, चरण धुलाने आई हूँ, भीमा काले जात रो तिरुआई, महामाई जात रो तिरुआई,
नाट्य में नाच नहीं सकते, ताली तो बजा सकते हैं। नाट्य में कैसे बजाते हैं? झूमते हुए, हल्का झूमते हुए। काली मैया की जय। तो क्या कहा? नियम सिर नंगा नहीं रखा। एक साल का नियम बताया, चरण धोकर के सोना चाहिए, ये सब लोगों को करना चाहिए, ठीक है। सांझ को जब भी सोए पैर धोकर, मुख खुला नहीं रखना चाहिए। और आप बोलते हैं या बोल रहे होंगे कि हमारा हो जाता है मुख खुला, बहुत सारे लोगों के मुख खुल जाते हैं सोते हैं, लेकिन किसके होते हैं? बेटा जो ज्यादा खाते हैं, क्योंकि श्वास पूर्ण रूप से नासिका से नाक से नहीं ले पाता है वो, और फिर वो मुख खोल लेता है। यहां बताया नियम, इसने एक साल का नियम रखा, लेकिन एक दिन मां दीति ने पैर धोना भूल गई और रात में बाल भी खुले रखे सो गई। यहां देवता इंतजार में ही इंद्र कि ये साल तक नियम करेगी,
तो बहुत मजबूत राक्षस जन्म लेगा, वो तो हमें मार डालेगा। यहां इसने नियम भूला, इंद्र तो इंतजार में है, तुरंत मस्तक रूप धरा और उसके मुख में प्रवेश कर लिए और उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था उसके तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो जो मांस का टुकड़ा उसके एक टुकड़े नहीं सात टुकड़े के, और वो जब उनके टुकड़े टुकड़े के उन्होंने रोना प्रारंभ किया। इंद्र ने कहा चुप रहो, क्या कहा इंद्र ने संस्कृत में, न रोने को क्या कहते हैं संस्कृत में, मामनि नहीं रुदमनि रोना, मा रुदाहा। मरुदगण किसे कहते हैं, जो मेघ होते हैं, जो 49 जो मेघ हैं उनका नाम है। कहा कि रो रो नहीं, और ये रोना इन्होंने बंद नहीं किया। फिर इंद्र ने सात टुकड़ों के सात सात टुकड़े किए तो कितने हो गए, 49 हो गए 49। कहा कि तुम रो नहीं, बंद कर दो, आज के बाद तुम राक्षसों की गिनती में नहीं रहोगे, तुम देवताओं की पंक्ति में आ जाओ। माँ जी का तो व्रत भंग हो गया, राक्षसों की माँ का, और जो संतान गर्भ में थी ये नष्ट हो गई। और इन जो बालकों के टुकड़े के, कहा कि जाओ तुम आज के बाद भूमि के देवता माने जाओगे, क्षेत्रपाल के रूप में, मर्दगणों के रूप में तुम्हारी आज के बाद पूजा होगी। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। आगे भगवान नरसिंह की कथा है। दो राक्षस हुए जिनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष नाम का जो राक्षस है उसका वध किसने किया, कल आपने कथा सुनी थी, किसने किया था उसका वध, जो बराह भगवान हुए थे, जो सुवर रूप में प्रकट हुए थे नासिका से ब्रह्मा से और जल चीरते हुए सुतलोक में गए, उसे क्यों मारा, उसने पृथ्वी को चुरा रखा, कल कथा सुनी आपने। और भगवान तुरंत बराह वहां गए, उनका वध किया और पृथ्वी को इस पानी के ऊपर स्थापित किया। इसका भाई हिरण्यकश्यप चिंतित होने लगा कि इस विष्णु ने मेरे भाई को मारा, ये तपस्या करने लगता है, ये मद्राचल पर्वत पर गया, इसने नियम लिया कि मैं हजारों वर्ष तपस्या करूंगा, हजारों वर्ष मैं तपस्या करूंगा। मदराचल पर्वत पर गया और इसने तपस्या प्रारंभ की। तपस्या कैसी की इसने, हाथ ऊपर और आंखें भी आकाश की ओर लगाई, ऊर्ध्वाभुर नभो दृष्टि। 100 वर्ष तक इसने तपस्या की, लेकिन इसकी धर्म पत्नी घर पर जो कयादु है वो अकेली रही, और इंद्र को पता लगा कि तपस्या कर रहा है हमें मारने के लिए। इंद्र भगवान गए और उसकी पत्नी का हरण कर लिया। नारद जी ने देखा, अरे इंद्र भगवान ये कौन है, अरे ये हिरण्यकश्यप की पत्नी है, इसका नाम कयादु है। नारद जी ने कहा, इंद्र ये शोभा नहीं देता है, आप देवताओं के राजा हैं और आप एक महिला का हरण कर रहे हैं, आप तो महाराज हैं, आप इंद्र हैं और एक जो दुर्बल स्त्री है उसका हरण कर रहे हैं, अच्छा नहीं। इंद्र को लज्जा आई और इंद्र ने उस कयादु को छोड़ दिया। कयादु ने कहा, नारद जी मैं कहां जाऊं, घर से उठा करके लाए। नारद जी ने कहा, बेटा आप मेरे साथ चलो, और नारद जी ने उस कयादु को अपने आश्रम में रखा 100 वर्ष तक। उसने कहा, नारद जी सब ठीक है, मैं आपके साथ भजन भी कर रही हूँ, तपस्या भी कर रही हूँ, आपकी कथा भी सुन रही हूँ, लेकिन जो मेरी संतान है पेट में ये जन्म लेगी तो उसका रक्षण कौन करेगा, मेरे स्वामी तो तपस्या के ले गए हैं और बहुत समय तक पता नहीं कब तक रहेंगे, मेरे संतानों की तो क्या होगा मेरा। नारद जी ने कहा, बेटा तुम यहां बैठ करके भजन करो, और मैं तुम यदि भजन करोगे तो मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी इच्छा प्रसूति होगी, जब तुम चाहोगी तब तुम्हारी संतान होगी। आज यहां हिरण्यकश्यप तपस्या में तल्लीन है, कयादु नारद जी के आश्रम में बैठ करके भगवान का भजन कर रही है। जैसे 100 वर्ष पूरे हुए तपस्या के, भगवान ब्रह्मा खुश हुए, ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप के पास गए कि हे राक्षस असुर, मैं तेरी तपस्या से खुश हूं, तुझे क्या चाहिए। उस राक्षस ने कहा, प्रभु जी ब्रह्मा जी विधाता, यदि तुम खुश हैं तो मैं कभी मरो ना,
भगवान ब्रह्मा ने कहा भाई सॉरी ऐसा तो नहीं हो सकता, यहां तो जो आया है उसको जाना पड़ेगा, कुछ और मांग लो। तो इसने दूसरी बात क्या कही, ब्रह्मा जी अगर आप खुश हैं तो देख लीजिए, हाँ हाँ मांग। कहा कि जितने भी संसार में तुम्हारी सृष्टि है उसमें से कोई मुझे मार ना सके, क्योंकि ब्रह्मा ने सब कुछ बनाया है। कहा ना मैं आकाश में मरूं, ना पृथ्वी मरूं, ना जल में मरूं, ना सूखे स्थान पर मरूं, ना रात में ना दिन में, मैं कभी ऐसे सिन महीनों में ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ततास्तु, ऐसा हो सकता। आज घर आ गया, बिल्कुल बहुत पुष्ट हो गया, तपस्वी है। अपने धर्मपत्नी कयादु को वापस ले जाते हैं और जो बालक गर्भ में पल रहा था उसका जन्म हुआ, उस बालक का नाम क्या रख दिया, प्रहलाद। इस बालक का धीरे धीरे संस्कार किया, बड़ा हुआ, इसको शिक्षा के लिए गुरुकुल में भेजा, जो शुक्राचार्य के पुत्र हैं संड और अमर, कहा इनको जो आसुरी शिक्षा है वो प्रदान कर। यहां तो ये सब देवताओं को परेशान करने लगा है, देवता परेशान हो गए हैं, और इसने तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि सृष्टि में मुझे देवता ऋषि मुनि कोई मार न सके, अब क्या होगा। ये तो सबको परेशान करने लगा, ये जैसे ही राजा बना, ये तपस्वी बना, इसने पहले क्या नियम निकाला देखो। इसने कहा जिस जिस गांव में ब्राह्मण है, गाय है, मंदिर है, उन उन गांव में आग लगा दो। यत्र यत्र तुजा गावो वेदावरणाश्रमा क्रिया तम तम जनपदम यात संदीपयत वृषतः, क्योंकि गौ देवताओं को पुष्ट करती है ना। गाय को ग्रास देते हैं आप लोग, देते हैं रोटी, देते हैं गाय को हम ग्रास देते हैं, उससे देवता पुष्ट होते हैं। ब्राह्मणों के गांव में आग लगा दो, कि ब्राह्मण भगवान का भजन करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, उन गांव को भी समाप्त करो। मंदिरों में लोग पूजा करते हैं उससे भगवान पुष्ट होते हैं, इसलिए मंदिरों को भी जला दो। इसने सारे देवता परेशान होने लगे, कमजोर होने लगे, और इसका जो बेटा प्रहलाद ये गुरुकुल में गया और वहां शिक्षा ग्रहण करता। एक महीने बाद पिताश्री पहुंचे और जो गुरुपुत्र हैं शुक्राचार्य जी के, उनको प्रणाम किया, आओ प्रहलाद। प्रहलाद अपने बेटे को बुलाया, बेटा क्या क्या सीखा है तुमने, और पिता की गोद में बैठा प्रहलाद और प्रहलाद बताने लगा। पिताश्री यदि तुम अपना उद्धार चाहते हैं तो भगवान का भजन। बेटा ये क्या, किसका भजन। पिताश्री ये संसार कुआ है, इसको पार करने के लिए नाव केवल भगवान नाम है, भगवान का नाम लो पिताश्री। गुरुजी लोग क्रोध करने लगे, क्या पढ़ाए इसको, हमने तो कहा कि जो आसुरी शिक्षा वो पढ़ाओ, ऐसा ना हो गुरुजी लोगों यहां कोई देवता तो नहीं आ रहा, कोई भेष बना करके और हमारे बच्चों को भ्रमित न कर रहा हो, इसलिए ध्यान दो प्रहलाद को, थोड़ा प्यार किया हटा दे। बेटा ये बात नहीं करना, वो हमारा शत्रु है जिसका तुम नाम लेते हो। फिर दूसरे महीने में गए, जैसे गुरुजी लोग पाठ पढ़ाते हैं तो सबसे पहले प्रहलाद को याद हो जाता। गुरुजी लोग जाते हैं और बेटा प्रहलाद जो और राक्षस पुत्र हैं इनको तुम पढ़ाओ। प्रहलाद जी उन बच्चों को पढ़ाने लगे और साथ साथ में क्या बोलते हैं, अरे असुर पुत्रों इस विद्या से तुम्हारा पोषण हो सकता है, तुम अपना जीवन यापन कर सकते हैं लेकिन तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। कहा किससे होगा, उसके लिए भगवान का भजन करना पड़ेगा। अरे प्रहलाद जी हम भी कर सकते हैं भगवान का भजन, हमारे तो शत्रु हैं। अरे नहीं नहीं मुक्ति चाहिए तो भगवान का भजन करना पड़ेगा। अब प्रहलाद जी उनसे संकीर्तन प्रारंभ कराते, गुरुजी आए, गुरुजी ने देखा यहां क्या हो रहा है, प्रहलाद क्या नहीं, गुरुदेव इन्होंने कहा कि सत्संग कर लो, तो मैंने सत्संग प्रारंभ कर। बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पिता तो धनवान हैं और बलशाली हैं, हमें दंड देंगे। फिर पिताश्री आए, हिरण्यकश्यप गए, प्रहलाद अब क्या सीखा बेटा तुमने,
पिताश्री यदि तुमने अपना उद्धार करना है तो 9 काम करना, ध्यान से समझना। पिताजी यदि कल्याण चाहते हैं 9 काम करने पड़ते हैं। पिताश्री कहा क्या क्या बेटा? प्रहलाद जी ने क्या कहा? सर्वणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्या सख्यात्म निवेदनम। पिताजी यदि उद्धार चाहते हैं तो 9 काम करो। क्या 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 कहा प्रहलाद जी ने, ध्यान रखना आप लोग। पहला काम क्या बताया? सुनना। क्या सुनना? बोल लो थोड़ा, क्या सुनना चाहिए? भगवान का नाम। जो सुना है उसको कीर्तन करना, उसका स्मरण करना। क्या हमने सुना उसका चिंतन करना, उसका पूजन करना, उसको प्रणाम करना, उसका दास बनना, उसको अपना मित्र बनाना, उसको अपना सब कुछ बनाना। पिताश्री सब कुछ करके उसको सब कुछ समर्पित कर देना। पिताश्री ये 9 काम करना, तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुरंत प्रहलाद जी को गोदी से नीचे फेंक दिया। ये तो हमारे कुल का नाश करेगा, वो हमारा शत्रु है, उसका नाम लेता। अपने गुरु पुत्रों को आवाज लगाई, हे शुक्राचार्य के पुत्रों, क्या सिखाते हो आप? तो कुछ और ही उनसे करवा। तीसरी बार मैं आऊंगा तो यदि ये अपनी शिक्षा को ग्रहण नहीं करेगा तो मैं इसे मार डालूंगा। ऐसा पुत्र न हो तो कोई बात। प्रहलाद को पुनः वहां गुरुकुल में पढ़ाते हैं गुरु। प्रहलाद याद हो गए, इनको पढ़ाओ। और जैसे बच्चों को पढ़ाने लगे प्रहलाद जी, वो बच्चे बोलने लगे, कीर्तन करो ना। प्रहलाद जी ने कहा, ना भाई ये नहीं होगा। प्रहलाद जी ने कहा, आज कीर्तन नहीं होगा, आज केवल प्रवचन होगा, ध्यान से सुनो। कौमारेत आचरेत प्रज्ञा। अरे असुरों, हे राक्षसों, यदि तुम कल्याण चाहते हैं तो कुमार अवस्था में भगवान का भजन करो। फिर वही सत्संग, वही कीर्तन। और सुनाया गुरु को, पता लगा कि बेटा तू हमें पिटवाएगा, बिल्कुल इसको कह दे तुम चुप हो जाओ। दोबारा पिताश्री जाते हैं, देखा बेटे को, बेटा तो वही भगवान का नाम लेता है। पिताश्री ने कहा, इसको आग में डाल दो, इसको हाथी के बीच में डाल दो, नागों के बीच में डाल दो, पहाड़ों से गिरा दो, इसको नष्ट कर दो। सब जगह कहता है, मेरा भगवान, इस बच्चे को नष्ट कर दो, समाप्त कर दो। इसने कहा, पिताश्री वो भक्त परमात्मा सब जगह रहते हैं, तुम मानो उनको पिताश्री। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। कहा कि बेटा यदि तू कहता कि तेरा भगवान सब जगह रहता है, एक लोहे का खंभा गर्म किया, इस पर मैं तुझे बांधूंगा, यदि तेरा भगवान सब जगह रहता है वो तेरी रक्षा करेगा, अन्यथा तो जल जाए। एकदम लप तप्त गर्म बिल्कुल एक खंभा किया लोहे का, प्रहलाद को सामने ले गए, बेटा आज तुझे इस पर बांधूंगा, तलवार से तुझे मार डालूंगा। सारे राक्षस खड़े हैं, प्रहलाद को लेकर खंभे के पास गए। प्रहलाद जी भगवान को स्मरण करते हैं, प्रभु को याद करते हैं, प्रभु जी यदि मैंने जीवन भर आपका स्मरण किया, आपका ध्यान किया है, आप मेरी रक्षा करें। उस लोहे के खंभे में एक चींटी जा रही थी, प्रहलाद समझ गए ये चींटी नहीं जल रही है, भगवान ने अपना दर्शन दिया तो मैं नहीं जल सकता, जो चींटी नहीं जलती। जैसे तलवार ली हिरण्यकश्यपु ने, अब इसको खंभे पर बांधना चाहते हैं और तलवार भी मारना चाहते हैं। जैसे तलवार उठाई वो खंभा धीरे धीरे पतित होने लगा, गिरने लगा, उसके बीच से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। जैसे खंभा धीरे धीरे गिरता हुआ नीचे पतित हुआ, उसके बीच से एक विचित्र रूप में भगवान प्रकट हो गए, जिनका आधा शरीर है शेर का और आधा शरीर है मनुष्य का। आकाश में जोर जोर की आवाजें, सारी पृथ्वी भूचाल कांपने लगी। ऐसे भगवान जिनका आधा मुख है शेर का और आधा शरीर मनुष्य। तुरंत उस राक्षस को पकड़ा, अपने गोद में रखा, कहा
तुमने वरदान मांगा था कि जमीन में न मरो आकाश में न मरो, ये मेरी गोदी है। सांझ की बेला है, संध्या बेला न दिन है न रात है, और संध्या बेला में मैं तुम्हारा उद्धार करूं। तुमने कहा अस्त्र शस्त्र से न मरो, ये शेर के नाखून है, ये मेरे उदीर्ण करेंगे तुम्हारे पेट। धीरे धीरे इस राक्षस को सुनाने लगे, इस कुछ देर तो इससे खेलते हैं और धीरे धीरे इसके उदीर्ण करने लगे, इसका उद्धार भगवान कर देते हैं। नरसिंह भगवान की जय। जब भगवान नरसिंह प्रकट हुए तो शांत नहीं हुए कुछ देर तक, भगवान के मुख से तो आग निकल रही है, सारी पृथ्वी कांपने लगे, सारी पृथ्वी जलती है, यदि कुछ देर होगी सारे देवता स्तुति करने लगे, भगवान नरसिंह शांत नहीं। सब लक्ष्मी के पास गए, मैया आपके स्वामी हैं, आप इनको शांत करो। लक्ष्मी ने कहा चलो अभी जाते हैं, पैसे से तो सब शांत हो जाते हैं। लक्ष्मी मैया जैसे भगवान विष्णु नरसिंह के पास गए सामने, नरसिंह भगवान ने जैसे लक्ष्मी मैया को देखा, जोर का शब्द किया हा, और लक्ष्मी तो गिर गई। सबने जल के छींटे लगाए, रे क्या आफत हो गई, हमने सोचे इससे खुश होंगे, लक्ष्मी तो बेहोश हो गई। उसने देखा विकराल वेश, आधा शेर का आधा मनुष्य का, वो तो डर गई, उठाकर ले गई इसको ठीक कर। सारे देवता घबराने लगे, कौन इनको शांत करेगा। सबने कहा कि जिसने इनको प्रकट किया है वही इनको शांत करेंगे, वो प्रहलाद जिसने इनको भजा है वही इनकी आराधना करेगा, और प्रहलाद ही भगवान को प्रणाम करता है और भगवान नरसिंह शांत हो जाते हैं। नरसिंह भगवान, जो नरसिंह भगवान है इनका एक मंत्र है, उसको जपने से करने से बच्चों की नजर ऐसी कोई दोष होता है ऊपरी दूर हो जाती है। बच्चा रोए रात में चुप ना हो तो राख या कुछ भी लगा देना, पक्का आप लिख लें बच्चा चुप हो जाएगा, किसी की नजर लगी हो वो दूर हो जाएगा। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतो मुखम निरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्योर्मृत्युम नमामि। इस मंत्र से जो भगवान नरसिंह का ध्यान करते हैं भजते हैं, उसके जीवन में ऊपरी जो नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो दूर हो जाती है। आगे सुखदेव जी महाराज एक हाथी की कथा बताते हैं, गजेंद्र मोक्ष की। एक हाथी बड़ा बलशाली, बहुत बड़ा उसका परिवार है, लेकिन एक बार बहुत गर्मी पड़ी, वो पानी पीने के लिए जो पर्वत पर रहता था पानी सूखा, और वो सरोवर में नदी के तट पर पानी पीने के लिए आया। पानी पिया उसने सरोवर में, पानी पीते पीते सूंड में पानी भरने लगा, बच्चों के ऊपर पानी डालने लगा, जल क्रीड़ा करने लगा। लेकिन पानी में वो भीतर जाता रहा, पानी में मगरमच्छ रहता है, उसने उसका चरण पकड़ा और धीरे धीरे उसको भीतर की ओर खींचने लगा। सारे परिवार वाले हाथी को घमंड है, मुझे बहुत ताकत है, मैं बहुत ताकतवर हूं, लेकिन बाहर की तरफ नहीं आ पाया वो मगरमच्छ, उसके पैर को भीतर भीतर खींचने लगा। परिवार वाले लगे, सारे परिवार वाले, लेकिन हाथी को बाहर नहीं निकाल पाए। सांझ हो गई, परिवार वाले घर की तरफ निकलने लगे, हाथी पानी में डूबता रहा धीरे धीरे। सांझ को सब घर आ गए, हाथी ने आवाज लगाई, हे मेरे परिकरों, मेरे परिवार वालों, जब तक प्राण रहेंगे तब तक मुझे देखने जरूर आना। धीरे धीरे सांझ हो गई, पानी में हाथी डूबने लगा, गले तक पानी आ गया, परिवार वालों ने छोड़ दिया, अब कोई सूझा नहीं, और पानी में तो ताकत किसकी होती ज्यादा, मगरमच्छ की, क्योंकि उसका घर है, और धीरे धीरे भीतर खींच। अब उसको कुछ दिखा नहीं, सूझा नहीं, तो उस पानी में कमल खिल रहा था, उसने सूंड पर तोड़ा, और अंत में अब उस भगवान को याद करने लगा, हे प्रभु तू सबका है, कृपा करो प्रभु, बस इस बार मेरी रक्षा करो, जरूर आपको ध्याऊंगा। अब की बार शरण रखो नंद के दुलार, हे गोविंद हे गोपाल,
गोविंद हे गोपाल हे दयालु राम हे गोविंद हे गोपाल हे दयालु राम हे गोविंद हे गोपाल हे दयालु राम हे गोविंद हे गोपाल हे अब की बार शरण रखूं हे गोविंद गोपाल हे दयालु राम हे गोविंद भगवान को याद हे दयानिधान अब की बार शरण रखो नंद के दुलारे अब की बार शरण रख हे नंद के ये हाथी भगवान को याद करने लगा हे गोविंद हे गोपाल हे दयालु राम अब की बार शरण रखो नंद के दुलारे प्रभु मेरे आंखों नाकों कानों तक पानी आ गया अगर आप जल्दी नहीं करेंगे तो मैं समाप्त हो जाऊंगा मैं डूब जाऊंगा। जैसे भगवान द्वारिका तक आवाज जाती है इसकी पुकार जाती है जब भी हम करुणा भाव से भगवान को याद करते हैं वो तुरंत आ जाते हैं। तुरंत इसने भगवान को याद किया प्रभु तुरंत गरुड़ पर बैठे और तुरंत उसके समीप आ गए अपने चक्र का स्मरण किया। तुरंत जिस मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ रखा है वो सिर से विहीन कर दिया धड़ से उसका सिर अलग कर दिया। यहां राजा परीक्षित पूछते हैं गुरुदेव हाथी ने याद किया भगवान को लेकिन भगवान ने पहले मगरमच्छ का सिर क्यों काटा। कहा यजमान जिसने भगवान को पुकारा है उसका उद्धार तो हो गया है जिसने कथा सुन ली उसका कल्याण तो होना ही है लेकिन जिसने उसका चरण पकड़ लिया है उसका भी भगवान उद्धार करता है। ये हाथी कोई और नहीं ये हम हैं। जब ये मगरमच्छ ये बीमारी रोग जीवन में लग जाए तो सब छोड़ देते हैं तब केवल वो परमात्मा शरण देता है। इसलिए उस भगवान को याद करना ये हाथी शरीर है मगरमच्छ काल बीमारी रोग है सब परिवार वाले सब छोड़ देते हैं रोग लग जाए सब दूर हो जाते हैं तब केवल परमात्मा साथ देता है। इसलिए सब लोग हाथ जोड़कर उस परमात्मा को प्रणाम करें। ओ हे गोविंद हे गोपाल
गोपाल रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। भगवान को याद जरूर करना, प्रभु का नाम जरूर लेना, वही हमारे जीवन के पाप ताप को दूर करते हैं। जब कोई ना हो अपना तो फिर किसको जपना हरि, जब कोई ना हो अपना हरि नाम जपना। इस हाथी का भगवान उद्धार करते हैं, इस मगरमच्छ का उद्धार करते हैं। कहा यजमान जी जो इस कथा को सुनते हैं उसके जीवन में कभी संकट नहीं आते हैं, भगवान उसके जीवन के संकटों को दूर कर देते हैं। बोलो गजेंद्र भगवान की जय। आगे समुद्र मंथन की कथा है, कथाएं तो बहुत ज्यादा है। एक बार देवताओं और राक्षसों ने समुद्र का मंथन किया, उसमें से सबसे पहले विष निकला, जो किसने धारण किया, भगवान शंकर ने। उनका नाम क्या पड़ा, नीलकंठ। कहाँ है नीलकंठ मंदिर, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, जहां से हम लोग आए हैं हरिद्वार ऋषिकेश में। नीलकंठ भगवान का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर, भगवान का गला नीला हो गया। भीतर उस विष को ले जाते तो राम हृदय में रहते हैं, बाहर डालते हैं तो ये पृथ्वी जल जाएगी। भगवान शंकर ने उसको ग्रहण किया, भगवान का नाम नीलकंठ पड़ा। आगे फिर ऐरावत हाथी, कामधेनु, उच्च श्रेय में घोड़ा, ऐसी सब वस्तुएं निकली जो इंद्र ने, देवताओं ने, ऋषियों ने धारण की। राक्षस सब तैयार हैं, जब मंथने लगे तो मदराचल पर्वत को समुद्र में डाला, वासुकी नाग की रस्सी बनाई, देवताओं को कहा देवताओं तुम पूंछ की तरफ से लगना, राक्षस तुम मुख की तरफ से लगना और मंथन शुरू करेंगे, इसको मथेंगे, इसमें से अमृत भी निकलेगा राक्षसों, और जिससे तुम अमर हो जाओ। राक्षसों ने कहा ठीक है, लेकिन जब देवता पूंछ की तरफ और राक्षस मुख की तरफ, तो जब मंथन करना प्रारंभ किया तो जब नाग को वो खींच रहे हैं तो उसके मुख से फुंकार आ रही थी, कुछ राक्षस तो मर गए। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, हम नहीं करेंगे मंथन। अरे क्या हो गया, अरे ये नाग तो फुंकार मार रहे, हमारे कुछ भाई मर गए, हम यहां से नहीं लगे, यदि मंथन करना है तो हम पूंछ की तरफ से आते हैं, इन देवताओं को लगवा। देवता लोग आ गया कि भगवान की लीला है, राक्षसों को पीछे कर दिया, मंथन प्रारंभ हुआ, धीरे धीरे अनेक वस्तुएं निकली। लेकिन जैसे उसमें से धनवंतरी भगवान, मोहिनी भगवान, अमृत निकला तो तुरंत राक्षसों ने अमृत पर आक्रमण कर दिया, हम पिएंगे पहले। देवताओं ने भी पकड़ा कि हम पिएंगे, आपस में झगड़ा होने लगा। इंद्र का जो बेटा जयंत, उसने कलश उठाया अमृत का और भाग। बहुत अलग अलग कथाएं, दंत कथाएं भी, वो हरियाणा होते हुए वहां जयंती माता का मंदिर है जींद में हरियाणा, वहां उसने कुछ समय इंतजार किया, गए भगवती मेरी रक्षा कर, जयंत के नाम से जयंती मैया वहां प्रकट हुई, जयंती मंगलाकारी, जो बलशाली माँ वो प्रकट हुई, इसकी रक्षा की और वहां से वो भागते भागते यहां से भी आया आपके यहां। फिर उसने वो कलश ऐसा भी बताते कहां रखा, पंजाब में अमृतसर, तब उसका नाम अमृतसर भी पड़ा, ऐसा भी पड़ा। यहाँ अनेकों कथा है, युद्ध होने लगा, कौन पिएगा अमृत, तो फिर भगवान मोहिनी रूप में प्रकट हुए। जैसे मोहिनी प्रकट हुए, भगवान सबका अपनी तरफ खींच लिया, राक्षस भी, देवताओं को भी, देवताओं ने भी प्रणाम किया, राक्षसों ने भी प्रणाम किया, सारे मोहित हो गए। अब कहा मोहिनी भगवान ने, हे राक्षसों बैठो एक जगह,
देवताओं तुम भी बैठ जाओ, मैं बांटूंगी, सब तैयार हैं? हाँ सब तैयार, क्योंकि सब मोहित तो हो गए। कहा कि ये तो अच्छा ही करे, कहा एक लाइन में राक्षस तुम बैठ जाओ, एक में देवता बिठा दिए और अमृत बांटना प्रारंभ किया। जैसे देवताओं की पंक्ति में गए भगवान अमृत बांटने के लिए, राक्षस खड़े हो गए, अजी तुम भेदभाव कर रहे हैं, पहले हमें दो, हमने तो उतना ही काम किया। कहा कि अरे तुम तो राक्षस हैं, तब तुम समझते नहीं, ऊपर ऊपर पानी होता है, नीचे गाढ़ा होता है, मैं तुम्हें गाढ़ा दूंगी। राक्षस बैठ गए, एक राक्षस स्वरभानु नाम का देवताओं की पंक्ति में बैठ गया देव स्वरूप बना करके। जैसे भगवान मोहिनी अमृत बांट रहे हैं, उसने भी हाथ ले और अमृत मुख में डाल। चंद्रमा ने सूर्य भगवान ने कहे विष्णु भगवान ये कोई और है, ये तो नकली बना है। जैसे देखा भगवान विष्णु ने चक्र को स्मरण किया, चक्र गया, उस राक्षस का सिर अलग कर दिया, धड़ अलग कर दिया, वो दो राक्षस बन गए। क्या राव जिन्होंने शिकायत की कि ये अमृत पी रहा है, उन पर वो आज भी ग्रहण लगाते हैं। किस किस ने बोला? चंद्रमा ने, सूर्य ने, तब से उन पर ग्रहण लगता है। अमृत पिया देवता पुष्ट हो गए। आगे जाकर के फिर देवता वो असुर लोग यज्ञ करते हैं कि हम विजयी बने, अपनी माँ से प्रार्थना करते हैं। यहाँ देवता लोग भी अपनी माँ से प्रार्थना करते हैं कि वो राक्षस हमें पाने के लिए, विजयी होने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। उनके गुरु शुक्राचार्य जो मरते हैं उनको जीवित कर देते हैं मृत संजीवनी के द्वारा। राजा बलि समाप्त हुआ असुरों की तरफ से, पुनः गुरु जी ने उसको जीवित किया। अब वो यज्ञ करता है नर्मदा नदी के तट पर, मैं देवताओं पर विजयी करूं। यहाँ देवता लोग भी स्तुति करते हैं, देवताओं की माँ भी भगवान की स्तुति करते हैं, मेरी संतान हो और इन राक्षसों को पराजित करे। राक्षस भी तपस्या कर रहे हैं, देवता भी, और देवताओं की माँ ने व्रत रखा फाल्गुन के महीने में ध्यान रखना, जिसकी संतान नहीं होती है इस व्रत को रखना। फाल्गुन के महीने में व्रत रखा पहली तिथि से शुक्ल पक्ष में और द्वादशी तक, इसको कहते हैं पयोव्रत। 12 दिन तक केवल दूध पर ही रहना, इस दूध को पीना, इसको पयोव्रत कहा। हे देवताओं की माँ अदिति, तुम इस व्रत को करो, तुम्हारे घर में एक अच्छी संतान हो जाएगी जो राक्षसों को पराजित कर देगी। आज वो दिन, वो नक्षत्र आया गया, भादों का महीना, और देवताओं के घर में दिति ओ अदिति और कश्यप के घर में भगवान छोटे से बालक के रूप में प्रकट हो गए, जिन भगवान को क्या कहते हैं हम, वामन भगवान। वहां वो राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं कि मैं देवताओं को पराजित करूं, और उसने 99 यज्ञ कर दी, एक यज्ञ और करेगा तो सारे विश्व पर विजयी कर देगा। जैसे भगवान वामन प्रकट हुए, उसके द्वार पर जाते हैं, 3 पग जमीन मांगते हैं, 3 पग में उसका सारा सब कुछ ले लेते हैं। राजा बलि अपने आप भी भगवान को चढ़ा देते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। राजा बलि तुमने मुझे सब कुछ दे दिया, तुम्हें क्या करूं? कहा कि मुझे सुतरलोक का राजा बना दो और प्रभु आप मेरे द्वारपाल बन जाओ, आपके दर्शन में हर समय करते रहूं। ऐसे राजा बलि को सुतरलोक का राजा बना दिया और यहां देवताओं के पास वामन भगवान पुनः देवताओं में सम्मिलित हो जाते हैं। बोलो वामन भगवान की जय। आगे भगवान माँ भगवती गंगा की कथा है। सागर के 60,000 पुत्रों का भस्म हुआ कपिल मुनि के साप से। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, घोड़ा निकल गया था, इंद्र ने उसको छुपा लिया था और वो कपिल मुनि के आश्रम के पास में बांध दिया था, गंगा सागर के पास में। और कपिल मुनि के पास गए सागर के पुत्र, उन्होंने कहा कि तुमने घोड़ा क्यों चुराया? इंद्र ने वहां रख लिया। उन्होंने ऋषि को गाली गलौज करने लगे, तुमने चुरा कर लाया है घोड़ा। कपिल मुनि का मैंने नहीं किया, मैंने नहीं की चोरी, लेकिन नहीं माने। कपिल मुनि को उल्टा बोलने लगे, कपिल मुनि को क्रोध आया, जाओ तुम 60,000 पुत्र भस्म हो जाओ, नष्ट हो जाओ। फिर इनके वंश में आगे दिलीप, फिर भगीरथ होते हैं आगे, और वो गंगा का ध्यान करते हैं, गंगा इस धरती पर आती है और उन 60,000 पुत्रों की राख जहाँ पड़ी थी वो गंगा में मिलती है और उनका उद्धार हो जाता है। बोलो गंगा मैया की जय। दो लाइन में गंगा जी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि हम गंगा के तट से आए हैं। और राम झूला लक्ष्मण झूला गए हैं आप लोग कभी? गए? चलो वीडियो में तो देखा होगा, लेकिन आज भजन के माध्यम से उनका भी स्मरण करते हैं। बोलो गंगा मैया की जय।
जय गंगा महारानी माँ, जय गंगा महारानी, जय गंगा महारानी, जय गंगा महारानी, जय गंगा महारानी माँ, जय गंगा महारानी, जय गंगा महारानी, जय गंगा महारानी, जय गंगा महारानी माँ, जय गंगा महारानी, हो जय गंगा महारानी, जय गंगा महारानी। द्वार खड़े हैं भक्त तिहारे, द्वार खड़े हैं भक्त तिहारे, अपने दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, सुधरे मेरी कहानी माँ, सुधरे मेरी कहानी, सुधरे मेरी कहानी, सुधरे मेरी कहानी, जय गंगा महारानी माँ, जय गंगा महारानी, जय गंगा महारानी, जय गंगा महारानी। लक्ष्मण झूले बहती रहती, लक्ष्मण झूले बहती रहती, लक्ष्मण झूले तेरे जल से बन बन फूले, तेरे वन से बन बन फूले, तेरे जल से बन बन फूले, तेरे जल से बन बन फूले, इस केस में आई जय गंगा महारानी, इस केस में आई जय गंगा महारानी, 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 जय गंगा महारानी माँ, जय गंगा महारानी। तुमको ध्याया ज्ञान अनोखा सभी ने पाया, 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 सुधरे मेरी कहानी माँ, सुधरे मेरी कहानी, सुधरे मेरी कहानी माँ, सुधरे मेरी कहानी, जय गंगा महारानी बड़े भाव से, जय गंगा महारानी, ओ जय गंगा महारानी माँ, जय गंगा महारानी, जय गंगा महारानी, अली की सेवा देते हुए बड़े भाव से, जय गंगा महारानी, जय गंगा महारानी माँ, जय गंगा महारानी, जय हर गंगे जय गंगा महारानी माँ, जय गंगा महारानी, हर हर गंगे जय माँ गंगे, हर हर गंगे जय माँ गंगे, हर हर गंगे जय
जय माँ गंगे, हर हर गंगे जय माँ गंगे, जय गंगा महारानी हो जय महारानी, जय गंगा महारानी माँ, जय गंगा महारानी, जय गंगा महारानी माँ, जय गंगा महारानी हो, जय गंगा महारानी माँ, जय गंगा महारानी। बोलो गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय। तो गंगा का जो भी स्मरण करते हैं उनके जीवन के कलमस जो अग हैं, जो पाप हैं, ताप हैं, वो दूर हो जाते हैं। ऐसे सगर के 60,000 पुत्रों का भी उद्धार हुआ और गंगा माँ जहाँ जहाँ गई उन स्थानों का माँ ने महत्व बढ़ाया। आप हरिद्वार को जानते हैं किस लिए? क्योंकि गंगा है वहाँ। गंगोत्री को जानते हैं आप लोग, जहाँ से गंगा प्रकट हुई? सागर को कोई नहीं जानता था पहले, लेकिन जब से गंगा सागर में विलीन हुई है तब से उस स्थान का नाम क्या हो गया? गंगा सागर। वाराणसी ऐसे ऐसे स्थान है जहाँ गंगा गई उसमें ऐसी शक्ति है, उसने उन स्थानों का महत्व बढ़ा दिया। यहाँ सुखदेव महाराज गंगा जी को प्रणाम करते हुए आगे भगवान राम की कथा सुनाते हैं। और राम की कथा भी यदि सुननी हो तो 9 दिन चाहिए, राम कथा 9 दिन। लेकिन एक श्लोक में हम राम जी को प्रणाम करते हैं और उसके बाद भगवान कृष्ण जो आज हमारे सबके बीच में प्रकट होंगे ऐसे कृष्ण की कथा में हम प्रवेश करेंगे। आप सब जानते हैं दशरथ के घर में 3 रानियां और 4 जो पुत्र हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये प्रकट हुए। संतान नहीं थी, पुत्र कामिष्ट यज्ञ कराया और यज्ञ नारायण अग्नि नारायण प्रकट हुए, खीर लेकर के, खीर का प्रसाद लेकर के और उन रानियों को प्रदान किया। उसके प्रभाव से उनके घर में एक नहीं 4-4 पुत्र हुए जो हमारे आज राम हैं, जो सबके हृदय में बसते हैं। ऐसे राम जी को हम सब लोग प्रणाम करते हैं। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय, जय दीन राम। एक चौपाई में राम जी को प्रणाम करते हैं फिर कृष्ण भगवान की कथा। जय दीन राम जन्म श्रुति गावें, 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 रथ सकल तहां चल आवई, रथ सकल तब आई, तीरथ सकल तहां चल आवई, तीरथ सकल तहां चल आवई, जय दिन राम जी की कथा 9 दिन की है। राम जी को प्रणाम करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, जो सबके हृदय में बसते हैं, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। यजमान जी ने कहा, गुरुदेव मुझे उस भगवान की कथा सुना, जब मैं माँ के पेट में था अपने कथा सुनी परसों, अश्वत्थामा ने वाहन का प्रहार किया और उत्तरा के गर्भ में जीव पल रहा था राजा परीक्षित,
उसको कष्ट हुआ, उसने भगवान को याद किया, प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा करो। भगवान तुरंत उसके उदर में गए, चारों तरफ से उसकी रक्षा की, उसके बाणों को निस्तेज किया। आज वो राजा परीक्षित उस भगवान को ढूंढ रहा है, वो परमात्मा कहाँ है, उनकी कथा आप हमें सुनाओ। यजमान जी को कहा सुखदेव जी महाराज ने कि वो जो भगवान कृष्ण की कथा है वो एकाग्र चित्त से सुनना, शांत भाव से सुनना। और सब लोग शांत होकर के भगवान कृष्ण की कथा 10 मिनट में सुनते हैं, क्योंकि समय तो अधिक हो गए हैं, 2:30 बज गए। 10 मिनट कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं और छोटे से लाला हम सबके बीच में आएंगे कन्हैया, और खूब उत्सव मनाते हैं। 10 मिनट में कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं। यहाँ गुरुदेव से निवेदन किया कि वो भगवान की कथा सुनाओ, तो भगवान कृष्ण की कथा प्रारंभ करते हैं। कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभय वंशान चरितं परमाद्भुतम्। प्रभु अनेक वंशों की कथा आपने सुनाई, अब जो यदुवंश जिसमें भगवान कृष्ण आए हैं उनकी कथा सुनो। कहा गुरुदेव भगवान कब आएंगे कृष्ण, तो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, आक्रांत भूरि भारेण ब्राह्मणम शरणम ययो, आक्रांता भूरि भारेण। जब इस धरती पर बहुत पाप हो जाता है, अघ हो जाता है, तब भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं। आज समस्त देवता उस भगवान कृष्ण के इंतजार में हैं। सारे देवता कहाँ चले गए, समुद्र के तट पर जाते हैं, समुद्र में दूध चढ़ाते हैं, हे प्रभु आप इस धरा पर प्रकट हो जाओ, यहाँ बहुत अग पाप हो गया है, आप इस धरा को स्वच्छ कीजिए। सारे देवताओं ने दूध लिया, समुद्र में चढ़ा रहे, पुरुषम पुरुष सुक्तेना समतस्ते उपतस्ते समाहिता, सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु आप प्रकट हो जाइए, सब भगवान को याद कर रहे हैं। दूध चढ़ाया, आकाशवाणी हुई देवताओं, मैं समुद्र से प्रकट नहीं होऊंगा, मैं तो ब्रजमंडल में मथुरा में देवकी वसुदेव के घर अवतरित होऊंगा, आप वहां जाइए मथुरा ब्रजमंडल में, वहां मेरी स्तुति करो। सारे देवता ब्रजमंडल में आते हैं और भगवान की स्तुति प्रारंभ करते हैं, प्रभु आ जाइए आप तुरंत। सारे देवता भगवान को भज रहे हैं। यहां जो मथुरा के राजा हैं उग्रसेन हैं, उनके छोटे भाई हैं कंस, एक राजा है देवक, एक राजा है सूरसेन। जो उग्रसेन राजा है उसका पुत्र है कंस, उसका जो छोटा भाई है वो है देवक, और उसकी बेटी का नाम क्या है देवकी। सूरसेन के जो पुत्र हैं उनका नाम है वसुदेव। इन्होंने देवक की 7 बेटियां थी, 6 बेटियों का ब्याह पहले कर चुके हैं वसुदेव जी के साथ। आज इच्छा हुई सूरसेन जी के, अरे ये जो बेटी है 7वें देवक की, इसका ब्याह भी आप वसुदेव जी के साथ कर लो, और वो तैयार हो गए। तैयार हुई तो बारात के ब्याह हो गया, और जैसे विदाई करने लगे तो चाचा का जो बेटा है कंस, उसने कहा आज अपनी बहन को छोड़ने में जाऊंगा। उसने रथ पर बिठाया, घोड़ों पर चाबुक मारी और रथ आगे की ओर बढ़ने लगा। जैसे अर्धमार्ग में पहुंचा रथ, आकाशवाणी हुई, हे कंस जिसको छोड़ने तुम जा रहे हैं उसकी 8वीं संतान तुम्हारे लिए काल होगी। अस्या त्वम अष्टमो गर्भो हंतायां बहसे बोदा। जैसे इसने सुना कि 8वीं संतान मारने वाली होगी, इसने तुरंत अपने कोख से तलवार निकाली और बहन देवकी के बाल पकड़े, उसके सिर पर तलवार मारना चाहता। वसुदेव जी ने कहा अरे भैया आप वीर हैं, आप पराक्रमी हैं, ये देवकी नवनवेली दुल्हन, इसका श्रृंगार उतरा भी नहीं, इसका वध करोगे अच्छी बात नहीं। यदि तुम्हें इससे डर है, इसकी संतान से डर है, तो मैं वचन देता हूं जो भी संतान होगी मैं आपको दे दूंगा।
आप इसे मारो नहीं। कंस ने स्वीकार की बात, लेकिन इनको छोड़ा नहीं, रथ वापस किया और अपने कारागार जेल में बंद कर दिया। आज दोनों देव की वसुदेव जेल में बंद हैं। उस परमात्मा का ध्यान कर प्रभु, आप इस धरा पर जब आएंगे तब ये पापी, इनका उद्धार होगा, इनका कल्याण होगा। देव की वसुदेव कारागार में भगवान का चिंतन कर रहे हैं। मृत्यु जन्म बताबीरा देहे ना सहजायते अद्यवाब्द सतांते वा मृत्युर्वे प्राणिनां ध्रुवा। देवकी चिंतित होने लगे कि संतान होगी, पहले तो कब होती क्या होती है, लेकिन होगी तो ये दुष्ट भाई मारेगा। वसुदेव जी कर रहे हैं देवकी कोई बात नहीं, जो जन्म लेगा वो मरेगा, संसार में कोई ऐसा नहीं जिसको मरना नहीं। और आज भगवान की कृपा से एक साल व्यतीत हुआ, इनकी पहली संतान हुई, जिसका नाम क्या रखा, कीर्तिमान। देवकी वसुदेव ने तुरंत हाथ पर लिया उस बालक को और कंस के पास रखे, लो ये पहला बच्चा है, पहला बेटा है, क्या करना है। उसने कहा ये नहीं, मुझे तो आठवां चाहिए, जो आठवां मुझे मारने वाला होगा उसका मैं वध करूं। समय व्यतीत हुआ, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, छह बच्चे हो गए। इसने बच्चों को मारा नहीं, भगवान ने नारद को कहा ये पाप नहीं करेगा तो मेरा अवतार नहीं होगा, मैं इसको मार नहीं पाऊंगा। नारद जी के, अरे कंस आप राजा हैं, और आकाशवाणी हुई आठवीं संतान मारने वाली होगी। एक फूल लिया, उसमें उसको समझाने लगे, कहा कंस यहां से गिनो, एक दो तीन चार पांच, ऐसे आठ तक गिना, और आठ से वापस गिना तो पहला आठवां, दूसरे से गिना तो अलग अलग, उसको भ्रमित कर दिया। कहा कि आठवां कोई भी हो सकता है, इसलिए तुम अलर्ट हो जाओ, चतुर एक्टिव हो जाओ। उसने तुरंत तलवार ली, जो छह बच्चे हो रखे थे उनकी हत्या की, उनको मार दिया। देवकी रोने लगी, आज बड़ी मुश्किल से संतान हुई, ये दुष्ट भ्राता इसको मार। देवकी कभी हंसती है, मेरी संतान होगी, रोती है, ये दुष्ट भाई मारेगा। आज भगवान की कृपा से देवकी के गर्भ में सातवीं संतान आ गई है। पता है ये दुष्ट कंस मारेगा। भगवान ने महामाया भगवती का ध्यान किया, हे जगदम्बिका आप मेरा सहयोग करो, ये सातवीं संतान जो देवकी के गर्भ में, इसको तुम संकर्षण करो और नंद बाबा के घर में एक रानी है रोहिणी, उसके गर्भ में इसको स्थापित कर दो। ऐसे भगवान की महामाया सहयोग करती है। समय व्यतीत हुआ, कंस इंतजार में सातवीं संतान होगी। देवकी ने कहा वो तो खंडित हो गई, वो नष्ट हो गई, खुश हो गई। आसार देवता अब भगवान की प्रतीक्षा में हैं, आठवें संतान होगी, कृष्ण आएंगे, हमारे कन्हैया आएंगे, सारे देवता स्तुति में लग गए। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य यो निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मिकं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण सुस्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण। सारे देवता भगवान के स्वागत की स्तुति गा रहे हैं। सारे जितने भी आकाश में तारा मंडल है, चंद्र मंडल है, सारे खिल गए।
नदियां पवित्र हो गई, वातावरण शुद्ध हो गए, हल्की हल्की वर्षा होने लगी। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष अंधेरी रात है, अष्टमी तिथि बुधवार है, आज वो समय सुंदर समय आ गया है। सारा जो वातावरण है वो स्वच्छ। अथा सर्व गुणों पेता काला परम शोभना, सारा जितना भी वातावरण शुद्ध हो गया, हल्की हल्की वर्षा, नदियां भी स्वच्छ हो गई, पक्षियां सुंदर शब्दों का गुंजायमान कर रही है, देवता लोग स्तुति कर रहे हैं। आज भादों का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, सुबह व्यतीत हुआ, दिन निकल गया, संध्या बेला आ गई, रात्रि पूर्ण रूप से व्यतीत हो गई, हल्की हल्की वर्षा हो रही है और रात्रि 12 बजने वाली है। देवकी वसुदेव देवता लोग भगवान का स्मरण कर रहे हैं। जैसे ही 12 बजे भगवान चतुर्भुज रूप में देवकी वसुदेव के सामने प्रकट हो गए, जिनके चार हाथ हैं, ऐसे भगवान प्रकट हुए, देवकी वसुदेव चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कहा, देवकी वसुदेव तुम्हारी इच्छा थी, कामना थी कि मेरे घर में अवतार ले भगवान। देवकी ने कहा, कन्हैया ये तो बात ठीक है, आप अवतार ले लिए हैं, लेकिन आप सब लोग कहेंगे कि इनका लाला हुआ है, लोग हंसी करेंगे कि इनका बेटा हुआ, चार हाथ हैं, ये आप दूसरा रूप बना दो, आप बच्चे बन जाओ। जो लाला जन्म लेता है वो तो बेटा रोता है, तुम तो बात कर रहे हैं, इसलिए आप छोटे शिशु बन जाओ और रोना प्रारंभ करो। भगवान ने कहा, मैया ये ठीक है, लेकिन मुझे नंद जी के घर में छोड़ देना, बाबा वहां एक बेटी हुई है यशोदा की, भगवती जगदम्बिका, उसको लेकर के आना, वो एक कंस को प्रेरणा देगी कि तेरा काल प्रकट हो गया है। जैसे इन्होंने स्तुति की भगवान की, देवकी वसुदेव ने, भगवान जो चतुर्भुज में प्रकट हुए थे धीरे धीरे बालक के रूप में बनने लगे। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम हाथ उठा करके भगवान का स्वागत, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। सारे स्तुति कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग वेद मंत्र पढ़ रहे हैं, हल्की हल्की वर्षा पुष्प वृष्टि हो रही है, ब्राह्मण लोग ऊंचे ऊंचे स्वर से वेद मंत्र पढ़ रहे हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा, स्वस्ति न स्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधा। सारे देवता भगवान पूर्ण ब्रह्म की स्तुति कर रहे हैं और भगवान बाल रूप में बनते हैं। ओ वसुदेव जी सूप में लेकर के भगवान को नंद जी के घर पर रख लेते हैं, वहां बालिका हुई देवकी, ओ भगवती जगदम्बिका, उसको मथुरा में लाते हैं। जैसे भगवती जगदम्बिका यहाँ लाई तो कंस इंतजार में है कि भगवान आठवां संतान होगी, उसको मारूंगा। जैसे भगवती जगदम्बिका आई तो रोने लगी, कंस जाग गया, सारे सैन्य खड़े हो गए, आठवीं संतान होगी, तलवार लेकर के भीतर भागने लगे। और आठवीं जो देवी के रूप में देवकी की गोद में बेटी है, उसको पकड़ना चाहा, उसको पहाड़ पर पटकना चाहता है, वो देवकी आकाश में, भगवती ऊपर उड़ गई। उसने कहा, हे कंस तू मुझे नहीं मार सकता, मैं भगवती जगदम्बिका हूं, मैं सबको जनने वाली हूं, तेरा जो काल है वो ब्रजमंडल में पैदा हो। ये व्यथित होने लगा और जहां नंद बाबा के घर में छोटा सा लाला रखा है वहां सब लोग प्रातः काल उठे और यशोदा माँ ने, नंद बाबा ने देखा छोटा सा लाला हमारे घर पर आज अवतरित हुआ है, सारे लोग बधाई दे रहे हैं और प्रसन्नचित होकर के देवता भी पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, सारे लोग आनंद ढंग से नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। बाल कृष्ण भगवान की जय, नंद के लाला की जय।
अब प्रेम भाव से हम नमोत्सव मनाएंगे। ठाकुर जी का थोड़ा पूजन कीजिएगा। सब लोग अपने हाथ उठा करके भगवान का स्वागत भी करेंगे और गाएंगे भी, और साथ में थोड़ा सा कमर भी सीधा करेंगे, ठीक है। बाल कृष्ण भगवान की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। खड़े होकर के स्वागत भगवान का तालियों के साथ में, साथ साथ में बोलेंगे भी। ए नंद घरे आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घरे आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद, हाथ उठा करके जय कन्हैया लाल की। नंद घरे आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय दाऊदयाल की, जय बोलो गोपाल की। जय हो नंद लाल की, जय हो नंद लाल की। नंद घरे आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथ लगा करके नृत्य आ रहे। हम अपने बच्चों के बर्थडे में कैसे, और भगवान के इसमें आप दिनों हार दिनों ओ दिनों पाल की। रत्न दिनों हार दिनों और दिनों पाल की। ओ रत्न दिनों हार दिनों और दिनों पाल की। रत्न दिनों हार दिनों और दिनों पाल की। कंठा और कटोल दिनों दिनों मुक्ति लाल की। कंठा और कटेल दिनों दिनों मुक्ति लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय दादू जय हो आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। गोकुल आयो गोविंद, गोकुल आयो गोविंद, गोकुल आयो नंद गोकुल आयो। मजा नहीं आ रहा आप गोल घेरे में, आनंद नहीं आ रहा। पीछे देखो बहन जी कैसे कर रहे हैं। भगवान को उस समय आप उत्साहित नहीं होंगे तो कहां के लिए होंगे। और ये वीडियो आप भी देखेंगे, सब लोग देखेंगे कि कैसे गेन के गाँव में। ओ नंद घरे आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घरे आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। गोविंद गोकुल आयो लाल की। जय बोला गोपाल की, जय बोला पशुपाल की। जय बोलो गोपाल की, जय बोलो पशुपाल की। जय बोला गोपाल की,
पशुपाल की। जय बोलो गोपाल की, जय बोलो पशुपाल की। नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब मैं बोलूंगा नंद घर आनंद भयो, आप बोलेंगे जय हो गोपाल। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो 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 जय कन्हैया लाल की। जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की। जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की। जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो 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 जय कन्हैया लाल की। जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की। जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो 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 जय कन्हैया लाल की। बाल कृष्ण भगवान की जय। आज के आनंद की एक भजन गाएंगे हमारे जो संगीताचार्य जी हैं, निम्न चिन्ह श्याम देनाल। एक बार खड़े होकर के उसके बाद कथा को विराम, आरती, और सब लोग जो भगवान को उस समय नृत्य करना चाहेंगे, एक सुंदर सा भजन। बाल कृष्ण भगवान की जय। निमे नचिणा मोहन देनाल, आज मैनो नच लैण दे। निमे नचिणा मोहन देनाल, आज मैनो नच लैण दे। सभी लोग भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान के इस भव्य उत्सव में सभी लोग अपनी हाजिरी देंगे। निमे नचिणा, निमे नचिणा, निमे नचिणा मोहन देनाल, आज मैनो नच लैण दे। निमे नचिणा मोहन देनाल, आज मैनो नच लैण दे। निमे नचिणा मोहन देनाल, आज मैनो नच लैण दे। निमे नचिणा मोहन देनाल, आज मैनो नच लैण दे। ओ नच लैण दे निमे नो नच लैण दे। नच लैण दे निमे नो नच लैण दे। नचणा 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 मोहन देनाल, आज मैनो नच लैण दे। मैं नचणा मोहन भाव से हरि बोल, आज मैनो नच लैण दे। बाल मुकुंद भगवान की नचिया बतेरा दुनिया तो नचिया, ओ फिर बिना कोई बनिया मेरा, फिर बिना कोई बनिया मेरा। ओ दुनिया तो मैं नचिया बतेरा, फिर बिना कोई बनिया मेरा। नी मैं करदा वास लैण दे। मैं नचणा मोहन देनाल, लोग हाथ उठाकर आज भाइयों की सेवा। सुनी मैं नचणा मोहन देनाल, आज मैनो नच लैण दे। मैं नचणा मोहन देनाल।
किसी को लोगो नहीं डरना, होने दे किसी नो डरना, जो मन आए मैं सो वही करना, जो मन तो वही करना। मुरली गए